हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक एक बार फिर आप साथ, सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति आज तारीख साथी तीस सितंबर सितंबर का अंतिम दिन और आज के जो करंट अफेयर है आपको मजा आ जाएगा बहुत बेहतरीन बहुत शानदार पेन कॉपी लेकर बैठना बहुत अच्छे से करंट अफेयर हम लोग करते हुए चलेंगे तो लिख लीजिए सबसे पहले आज तीस सितंबर और जो मैं आपको कह रहा था कि सितंबर के पूरे लगभग डेढ़ सौ से दो सौ से तीन सौ क्वेश्चन हम लोग संडे को करेंगे कब करेंगे संडे सुबह छह से नौ तीन घंटे काफी हैं पूरे सितंबर को रिवाइज करने के लिए ठीक है भाई सीए प्लस स्टैटिक के तो चलिए सबसे पहले क्या जाता है बहुत महत्वपूर्ण सा पहला क्वेश्चन तेजी से हाथ चलाना बिल्ड बैक बेटर ये किस समूह की एक पहल है बिल्ड बैक बेटर यह किस समूह की एक पहल है इसे आप बताने की कोशिश कीजिए कि बिल्ट बैक बेटर यह असल में किस समूह की पहल है बिल्ट बैक बेटर यह असल में साथी किस समूह की पहल है कोशिश कीजिए बिल्ट बैक बेटर यह किस समूह की पहल है तो याद रखेगा साथी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्वाड आसियान या जी सेवन तो जो जी सेवन है दुनिया के सबसे अधिक विकसित सात देशों का समूह जी सेवन की पहल है यह साथी जी सेवन का फोर्टी सेवन चाल सैतालीसवा से सम्मेलन जिसे समिट भी बोलते हैं या शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं यह जून के महीने में जून के महीने में जून 2021 में एक जगह है कॉर्नवाल कौन सी जगह है कॉर्नवाल इंग्लैंड में एक जगह है कॉर्नवाल तो वहां पर आयोजित हुआ था इसी के इस सैतालीसवें शिखर सम्मेलन में यह बिल्ट बैक बैटर का कॉन्सेप्ट आया बिल्ट बैक बैटर का कॉन्सेप्ट आया है यहां तक कोई दिक्कत ये क्यों आया है तो समझिए मेरी बात इस बिल्ट बैक बैटर परियोजना या इस पहल के तहत जो ये जी सेवन देश हैं, ये चीन का मुकाबला करना चाहते हैं। कैसे असल में बी थ्री का मतलब बिल्ट बैक बेटर तो इसमें बी तीन बार आया है, इसलिए इसको बी थ्री डब्ल्यू कहते हैं ये अमेरिका की जी सेवन के साथ मिलकर एक पहल है जिसमें ये चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करना चाहते हैं साथ ही चीन ने साल 2013 में देखो चीन नाम उसका चीन लिखा रख गया असल में है तो वो चीन ही जिस देश को ये लोन दे देता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उस देश की लंका लग जाती है उस देश की क्या हो जाती है लंका लग जाती है समझ रहे मेरी बात जिसे भी ये लोन दे देता है वो देश एकदम मतलब लोन के चक्कर में बढ़ के क्या बोलते हैं घुसता चला जाता है तो चीन ये बात है 2013 की जो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग शी जिनपिंग करके जिनका नाम है उनकी एक शी जिनपिंग करके इनका जो नाम है इनकी साथी एक पहल थी इसके अंतर्गत क्या था कि जैसे 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 चाइना ताकतवर होता जा रहा है दुनिया में चीन अपना महत्व बढ़ाए इसके लिए इन्होंने ये पहले तो नाम आया वन बेल्ट वन रोड जिसे बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया इसके तहत ये समुद्र हो रेलवे हो रोड हो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक नेटवर्क बना रहे थे जहां से व्यापार आसानी से हो सके और जिस देश का ज्यादा व्यापार वही देश उतना ज्यादा ताकतवर इसको दो तक इन्होंने टारगेट रखा था कब तक टारगेट दो तक क्योंकि तब चीन को बने हुए उन्नीस से दो तक 100 साल हो जाएंगे और फिर इसे साथ ही दो में चीन के संविधान में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया चीन के संविधान में इस चीज को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शामिल कर दिया गया तो कब आया है दो है। अब अमेरिका के दिमाग का उसने कहा यार चीन तो ज्यादा व्यापार करने लगेगा चीन की तो मौज आ जाएंगी तो इन्होंने जी सेवन की सहायता से यह बिल्ट बैक बेटर पहल शुरू की कि हम भी उन देशों को हम भी उन देशों से बात करेंगे और उनके यहां पर सड़क पावर प्लांट बांध इन सब को बनाएंगे जिससे कि वो चीन के पाले में ना जाए चीन के पाले में ना जाए समझिए मेरी बात और जो लैटिन अमेरिका के देश हैं उन देशों से ये संपर्क कर रहे हैं ऐसी परियोजनाओं की पहचान कर रहे हैं कि जहां पर उन देशों का विकास भी हो सके और वो चीन के गोद में ना जाए चलिए बच्चा तो बिल्ट बैक बेटर ये जी सेवन द्वारा जून के महीने में जो सैतालीसव शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था कॉर्नवाल यूके में हुआ था कहां पे हुआ था कॉर्नवाल यूके इसमें साथी चार देशों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था चार देशों को यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था किसके तौर पर मेहमान के तौर पर जिसमें है साथी जिसमें आपका भारत आ जाता है इंडिया को आमंत्रित किया गया था इसमें दक्षिण अमेरिका अफ्रीका को आमंत्रित किया गया था दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया गया था दक्षिण कोरिया को दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया गया था और चौथा इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े थे भारत के प्रधानमंत्री वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े थे जबकि सात देश जो इसके सदस्य हैं उन्होंने भी भाग लिया था चलिए यह आयोजित कहां पर हुआ यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल इंग्लैंड में आयोजित हुआ कॉर्नवाल इंग्लैंड में सैतालीसवां शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है यह है साथी चीन की वन बेल्ट वन रोड ये देख रहे हो चीन के मेजर बंदरगाह है इसे मध्य एशिया इस कजाकिस्तान इधर से निकलते हुए और जो पूर्वी यूरोप है जिसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर शामिल नहीं है फिर यूरोपियन यूनियन और फिर इस तरीके से यह पूरा ये समुद्र का हिस्सा इधर से देख लो दोबारा यहां पे मॉस्को आ गया इस्तांबुल आ गया तुर्की का इधर देखोगे इटली ग्रीस होते हुए जिबूती जिबूती एक जगह है यहां पर बाब अल मंडप की जल संधि पर यहां पर आप देखोगे तो जिबूती में इनका बेस भी हो जाता है ये केन्या दी बंदरगाह इधर इस तरीके से ये इनका पूरा का पूरा इसमें सिल्क सिल्क रोड रोड भी भी है भी है सब कुछ इसके अंदर शामिल है आया कब था 2013 में और चीन के संविधान में कब आया है 2017 में चीन के संविधान में कब आया है साथी 2017 में अब हम लोग जी के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं लिखिए जी सेवन समूह सात देशों का समूह है कितने देशों का सात देशों का समूह कितने देशों का ग्रुप है सात उन्नीस से लेकर 2014 तक यह G8 हुआ करता था रूस भी इसमें शामिल था लेकिन क्रीमिया पर हमले के बाद रूस को बाहर कर दिया गया अब कितने हैं जी सात है पहली बात इसका जो स्थापना हुई है बच्चा स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये बातें 25 अप्रैल 1973 की 25 अप्रैल 1973 वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, डीसी जो अमेरिका की राजधानी है उसकी लाइब्रेरी में बैठक हुई इसीलिए इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता है तब इसमें चार देश थे तब इसमें कितने देश थे साथी चार देश थे कौन कौन अमेरिका था तब इसमें जर्मनी थी तब इसमें फ्रांस था और तब इसमें यूके था तब कौन था इसमें अमेरिका जर्मनी फ्रांस और यूके ये तब इसमें आप ये कह सकते हो कि ये कुछ इसमें देश थे ये क्या थे साथी इसमें कुछ देश थे कब इसमें उसके बाद में फिर साथी इसमें इन जी फोर करके फिर इसमें इटली भी जुड़ गया फिर इसमें क्या जुड़ गया इटली भी जुड़ गया इटली से पहले फिर इसमें साथी जापान भी जुड़ गया और फिर इन्होंने बाद में 1976 से इन्होंने कनाडा को भी जोड़ दिया तो बैठक जो हुई थी ये 25 अप्रैल 1973 लेकिन इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ है फर्स्ट समिट जिसको बोलते हैं जैसे भी सैंतालीसवां था भाई ऐसा इसका पहला भी तो होगा जैसा अभी इसका सैतालीसवां है तो आप ये भी तो कहोगे कि भैया अभी इसका पहला भी तो हुआ होगा तो वही मैं आपको बता रहा हूं जो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन है जहां पर इसके उस समय के छह नेताओं की बैठक हुई थी क्योंकि कनाडा 1976 में जुड़ा था तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो इसका फर्स्ट समिट हुआ वो बच्चा उन्नीस में हुआ हुआ कहा पर राम बुलेट राम बुलेट करके एक जगह है फ्रांस में पेरिस के पास वहां पर जबकि 47वां कहां पे हुआ है यूनाइटेड किंगडम में अच्छा 47वां कहां पे हुआ है यूनाइटेड किंगडम में जबकि आगे के तीन तय हैं आगे के तीन क्या है तय 48वां जर्मनी में होगा 2022 में 49वां जापान में होगा 2023 में और 50वां जो होगा वो इटली में होगा 2024 में 2000 चौबीस में और जबकि 2021 का जो है वो सैतालीसवा मैंने लिखवा दिया तो जी सेवन सात देशों का समूह 25 अप्रैल उन्नीस वॉशिंगटन डीसी लाइब्रेरी में इसकी बैठक हुई अमेरिका जर्मनी फ्रांस यूके बाद में इटली जापान और उन्नीस से कनाडा भी जोड़ा प्रथम शिखर सम्मेलन उन्नीस में इसका जो गठन हुआ था वो ऑयल क्राइसिस की वजह से हुआ था उन्नीस में सऊदी अरब और बाकी जो अरब देश है उन्होंने इजराइल के विरुद्ध जो देश मदद कर रहे थे उन पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया तेल की सप्लाई बंद कर दी उसके लिए जी सेवन समूह का एक गठन हुआ साथ ही इसी की पहल पर जी सेवन की पहल पर ही पहल पर ही याद रखिएगा जी ट्वेंटी का गठन हुआ है उन्नीस में जी ट्वेंटी का गठन उन्नीस में जब इनका समिट था बर्लिन जर्मनी में तब इस जी ट्वेंटी का भी गठन हुआ है किसका गठन हुआ है जी ट्वेंटी का यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब जो ये साथी ही सैतालीसवां समिट हुआ है फोर्टी सेवंथ शिखर सम्मेलन सैतालीसवां शिखर सम्मेलन 2021 यूके में इसमें कई सारी घटना हुई कई सारी घटना क्या इन्होंने यह तय किया कि पंद्रह परसेंट कॉरपोरेट टैक्स पंद्रह परसेंट एक यूनिवर्सल कॉरपोरेट टैक्स या जो निगम कर होता है उसको कितना लगाएंगे कंपनियों पर जो टैक्स लगता है और ये टैक्स वहां देना पड़ेगा जहां पे कंपनी काम कर रही होगी कितना परसेंट इन्होंने पंद्रह परसेंट की इच्छा जाहिर की है कितने परसेंट की इच्छा जाहिर की है कि जहां पर कंपनी काम कर रही होगी वहां पर साथ ही आप ये कह सकते हो पंद्रह परसेंट हम लोग इसमें करेंगे यहीं पर आप लोग याद रखिएगा ऑकस यू के यूएस इसकी भी स्थापना हुई थी हालांकि इसको बाद में सितंबर में आके इसकी घोषणा की गई है लेकिन ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बीच में जो एक ये समझौता हुआ है ये इसकी जो बैकग्राउंड था ये सैतालीसवें शिखर सम्मेलन में ही रखा जा चुका था ये साथी सैतालीसवें शिखर सम्मेलन में ही रखा जा चुका है यहां तक बताइए किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत चलिए अब एक बात यहां पर बहुत अच्छे से रखिएगा भाई जो बेल्ट एंड रिनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या पहल है बी आर आई जिसको बोलते हैं इसकी अपोजिट में अमेरिका आदि ने मिलकर दो पहल शुरू किए एक का नाम है साथी ब्लू डॉट नेटवर्क ब्लू डॉट नेटवर्क क्या नाम है इसका ब्लू डॉट नेटवर्क ब्लू डॉट नेटवर्क 2019 में 2019 में और अभी कौन सा शुरू किया है बिल्ट बैक बेटर या आप ये कह सकते हैं बी थ्री डब्ल्यू बी थ्री डब्ल्यू ये 2021 में ये दो है एक तो ब्लू डॉट नेटवर्क है जिसमें ऑस्ट्रेलिया जापान ऑस्ट्रेलिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स है और एक बी थ्री डब्ल्यू है जिसमें कौन शामिल है जी सेवन शामिल है इन दोनों का उद्देश्य क्या है बी आर आई का मुकाबला करना बी आर आई से कंपटीशन करना शी जिंगपिंग का जो बी आर आई वाला कॉन्सेप्ट है इससे साथी मुकाबला करना ये क्या है ये इनका उद्देश्य है यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत जी सेवन कब बना उन्नीस में पहली बैठक उन्नीस में कितने देश है अमेरिका जापान इटली यूनाइटेड किंगडम और क्या नाम है फ्रांस और जर्मनी सात देश हो जाते हैं कितने देश हो जाते हैं सात देश सैतालीसवा शिखर सम्मेलन यूके के कॉर्नवाल में यूके के कॉर्नवाल में किसने होस्ट किया बोरिस जॉनसन ने होस्ट किया किस किस को आमंत्रित किया भारत दक्षिण अफ्रीका दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया पंद्रह प्रतिशत निगम कर की बात हुई की स्थापना हुई बेल्ट एंड रोड पहल के दो बात बताइए जो दो ऐसे दो ऐसे इनिशिएटिव जो इसका मुकाबला करते हैं तो ब्लू डॉट नेटवर्क दो में ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका की पहल और बिल्ट बैक बेटर 2021 में जी सेवन की पहल ये क्यों आई है बी आर आई का मुकाबला करने आई है क्यों आई है साथी बी आर आई का मुकाबला करने आई है यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत इधर थोड़ा ध्यान दीजिए तुम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है बच्चा तुम आपस में बात करके ये अपने नुकसान मत कीजिए किसी भी तरह से यहीं पर एक चीज कर लीजिए ये जो यूनाइटेड किंगडम है साथी ये चार देशों से मिलकर बना है चार देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम इसके अंदर ऐसे मान लेते हैं चार किंगडम साथी हैं एक तरफ लिख लीजिए वो देश जो इसके अंदर आते हैं, इनकी भी थोड़ी थोड़ी सरकारें होती हैं खुद की और इनकी राजधानी इनकी राजधानी इनमें सबसे मुख्य है इंग्लैंड कैसा थी इंग्लैंड स्कॉटलैंड फिर क्या जाता है स्कॉटलैंड फिर आ जाता है वेल्स फिर क्या जाता है वेल्स, और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका उत्तरी आयरलैंड कौन सा आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड सुबह सुबह आपस में बात करने लगते हो तुम क्या करोगे यार जिंदगी में क्या करोगी जिंदगी में ऐसे हां रिया तुम्हारे यहां नोट्स बना दे बेटा क्योंकि तुम्हारी नौकरी भी वो कर लेगा बंदा फिर तो इंग्लैंड इसकी राजधानी क्या हो जाती है लंदन स्कॉटलैंड की क्या हो जाती है स्कॉटलैंड की क्या हो जाती है एडिनबर्ग क्या हो जाती है एडिनबर्ग वेल्स की क्या हो जाती है कार्डिफ वेल्स की क्या हो जाती है कार्डिफ और साथ ही आयरलैंड की बेलफास्ट आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाती है बेलफास्ट जबकि इसकी पूरी राजधानी लंदन मुद्रा हो जाती है पाउंड स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग और यूके के पीएम कौन हो जाते हैं यूके के पीएम हो जाते हैं बोरिस जॉनसन पीएम कौन हो जाते भैया बोरिस जॉनसन पीएम हो जाते बोरिस जॉनसन तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन स्कॉटलैंड की हो जाता है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की क्या हो जाती है एडिनबर्ग और वेल्स की हो जाती है कार्डिफ और उत्तरी आयरलैंड की हो जाती है बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाती है तो कहोगे भैया बेल फास्ट हो जाती है क्या हो जाती है बेल फास्ट हो जाती है यही पर याद रखिएगा सीओपी छब्बीस यह साथी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होगा स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में ग्लासगो शहर में ग्लासगो शहर अभी अक्टूबर से नवंबर अक्टूबर से नवंबर 2021 हजार इक्कीस सीओपी छब्बीस इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा ग्लासगो शहर कहां पर स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज छब्बीसवीं बैठक यह क्लियर हुई चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड रोड इनिशिएटिव हो गया निर्भया एक पहल ये किस राज्य सरकार की योजना है निर्भया एक पहल यह किस राज्य सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य पिछहत्तर हजार महिलाओं को बैंकों से जोड़ना है वो महिलाएं जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन महिलाओं को जोड़ने के लिए यह साथी एक निर्भया एक पहल यह उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है यह किसकी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नाम है इसका निर्भया एक पहल इसका उद्देश्य क्या है पिछहत्तर हजार महिलाओं को बैंक खातों से जोड़ना पिछहत्तर हजार महिलाओं को बैंक खाते से जोड़ना यह उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है चलिए असल में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिशन शक्ति शुरू कर रखा है महिला सशक्तिकरण मिशन महिला सशक्तिकरण मिशन तो जो महिला सशक्तिकरण मिशन है उसे मिशन शक्ति नाम दिया गया क्या दिया गया साथी मिशन शक्ति इसका थर्ड फेज तीसरा चरण शुरू हुआ है जिसके अतिरिक्त इन महिलाओं को सस्ते ब्याज दरों पर लोन भी मिलेगा और पीएम मुद्रा योजना के तहत जो राज्य सब्सिडी देता है वो सब्सिडी का लाभ भी ये महिलाएं उठा पाएंगी जो फेज तीसरा है मिशन शक्ति का यह साथी इक्कीस अगस्त दो को लॉन्च किया गया था और 31 दिसंबर 2021 तक यह तीसरा चरण मिशन शक्ति का चलेगा तो इसी के तहत पिछहत्तर हजार महिलाओं को बैंक खाते पहुंचाने के लिए यह निर्भया एक पहल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है निर्भया एक पहल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है बहुत बढ़िया सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर देना बच्चा अब आगे आ जाते हैं अब आगे आ जाते हैं यूपी की बात करते हैं और यूपी के आज बहुत अच्छे-अच्छे चीजें आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा बस आप नोट्स बनाना उत्तर प्रदेश अब सभी जानते हैं स्थापना 24 जनवरी 1950 तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है 24 जनवरी को स्थापना दिवस कब मनाया जाता है साथी 24 जनवरी को राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके बचपन का नाम जिनके बचपन का नाम बचपन का नाम बताइए योगी आदित्यनाथ जी के बचपन का नाम आगे आ जाता है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिनेश शर्मा दो यहां पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है इनका जो साथी विधानमंडल है जिसे आप लेजिस्लेचर कहते हैं अर्थात राज्य की वो इकाई जो कानून बनाती है वो द्विसदनीय है एक इसमें हो जाती है विधान परिषद जिसमें हो जाते हैं सौ सदस्य सबसे ज्यादा विधान परिषद के सदस्य एक हो जाती है विधानसभा जिसके हो जाते चार सौ तीन बिल्कुल सही अजय कुमार बिष्ट अजय कुमार बिष्ट ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था चलिए तो अजय कुमार बिष्ट इनके बचपन का नाम है यहां की जो ये हो जाता लेजिस्लेचर विधानमंडल जो आपका इसमें विधान परिषद की सौ और विधानसभा की कितनी हो जाती है साथी, 403 चार सौ तीन सीट हो जाती है कितनी हो जाती है चार सौ तीन जबकि लोकसभा की अस्सी सीट और राज्यसभा की इकतीस सीट लोकसभा की अस्सी सीट और राज्यसभा की कितनी सीट हो जाती है इकतीस सीट हो जाती है राज्यसभा की कितनी सीट हो जाती है साथी 31 इकतीस लोकसभा की अस्सी विधान परिषद सौ सीट और विधानसभा कितनी कितनी हो 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 जाती 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 है 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 सीट अब उत्तर प्रदेश को बहुत डीपली पढ़ना है आज लिखिए उत्तर प्रदेश सबसे पहले चिन्ह लिखिए उत्तर प्रदेश के पशु क्या होता है यह भी बताइए पक्षी क्या होता है यह भी बताइए फूल कौन सा यहां का फ्लावर ये भी बताइए और राजकीय वृक्ष कौन सा ये भी बताइए उसके बाद में नेशनल पार्क बताइए उसके बाद में टाइगर रिजर्व बताइए क्या बताइए टाइगर रिजर्व एनपी का मतलब नेशनल पार्क और टीआर का मतलब क्या होता है साथी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है यह भी बताइए उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व आगे जाता है साथी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य या फोक डांस भी बताइए तुरंत स्टार्ट हो जाइए अच्छा कंटेंट है बच्चा बहुत कुछ सीखोगे दुनियादारी के बारे में चलिए पशु की बात करें बारह सिंगा पशु क्या हो जाता है साथी बारह सिंगा पशु क्या हो जाता है बारह सिंगा पक्षी क्या हो जाता है सारस क्रेन सारस क्रेन फूल हो जाता है पलाश फूल क्या हो जाता है पलाश और वृक्ष हो जाता है अशोक वृक्ष अशोक ही हो जाता है भाई फूल क्या हो जाता है पलाश और वृक्ष क्या हो जाता है तो आप कहोगे भैया अशोक हो जाता है वृक्ष क्या हो जाता है साथी क्या हो जाता है बताइए तो आप कहोगे भैया वृक्ष हो जाता है अशोक चलिए नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है मात्र एक दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहां पर तीन टाइगर रिजर्व है कितने टाइगर रिजर्व है तीन एक हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक क्या हो जाता है साथी? पीलीभीत टाइगर रिजर्व लिख लीजिएगा एक कौन सा रिजर्व हो जाता है तो आप कहोगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व कौन सा रिजर्व हो जाता है बच्चा पीलीभीत टाइगर रिजर्व बिल्कुल सही दूसरा दुधवा टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व और तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको आयु का टी एक्स टू अवार्ड भी मिल चुका है आयु का टी एक्स टू अवार्ड आयु का टी एक्स टू अवार्ड भी इसको मिल चुका है टी एक्स टू अवार्ड भी साथ ही से मिल चुका है यह चीज आप लोग याद रखिएगा चलिए अब करते हैं लोक नृत्यों की बात करेंगे तो आ जाता है चरकुला नृत्य चरकुला नृत्य दूसरा जाता है राई नृत्य तीसरा जाता है पाई डंडा नृत्य राई नृत्य पाई डंडा चौथा जाता है धूरिया नृत्य चौथा क्या जाता है धुरिया चरकुला राई पाई धूरिया नटवरी मयूर मयूर नृत्य कार्तिक नृत्य नटवरी मयूर कार्तिक और एक आ जाता है साथी यहां पर नटवरी मयूर कार्तिक नृत्य नटवरी क्या लिखा चरकुला राई पाइडंडा धूरिया मयूर कार्तिक नटवरी मयूर कार्तिक नटवरी तो नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क नेशनल पार्क कौन सा हो जाता है साथी दुधवा नेशनल पार्क जबकि यहां पर टाइगर रिजर्व तीन पीलीभीत टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये तीनों के तीनों टाइगर रिजर्व है याद रखिएगा तीनों के तीनों क्या है टाइगर रिजर्व लोक नृत्य चरकुला धुरिया मयूर कार्तिक और नटवरी का का अवार्ड अवार्ड किसे मिला है तो आईयूसी टाइगर रिजर्व को मिला क्यों क्योंकि इसने बाघों की संख्या टाइगर की संख्या गुणा दो कर दिए डबल कर दिए पशु बार सिंगा पक्षी सारे फूल पलाश और वृक्ष क्या हो जाता है अशोक हो जाता है अगर हम उत्तर प्रदेश को क्षेत्रफल में देखें उत्तर, तो उत्तर, -प्र। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में स्थान तो याद रखिएगा चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग क्षेत्रफल में स्थान देखें तो कौन से नंबर पर है साथी तो आप कहोगे भैया चौथे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश का हम लोग जनसंख्या में देखेंगे तो कौन से नंबर पर है साथी जनसंख्या में आप ये कहोगे पहले नंबर पर है देख लो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है आप कहोगे राजस्थान का सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश का तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का और याद रखिएगा चौथा क्या हो जाता है जाता उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की बात कर लो तो जनसंख्या में पहले नंबर पर यह भी पूछ लेता है दूसरा कौन सा राज्य है जनसंख्या में तो महाराष्ट्र आ जाता है तीसरा पूछ ले तो बिहार और टॉप चार पूछ ले तो वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा तो याद रखिएगा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर हो जाता है आप कहोगे चौथे नंबर पर और जनसंख्या में पहले नंबर पर जनसंख्या में किस में हो जाता है साथी पहले नंबर पर जनसंख्या में कितना हो जाता है पहले नंबर पर यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्षेत्रफल में पहले नंबर पर राजस्थान दूसरे पर एमपी तीसरे पर महाराष्ट्र चौथे पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या में यूपी पहले नंबर पर है दूसरे पर महाराष्ट्र तीसरे पर बिहार और चौथे पर क्या हो जाता है बच्चा वेस्ट बंगाल हो जाता है अब एक और बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्य करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के मुख्य करंट अफेयर्स लिख लेना यहीं पर जरूरी है एक विद्युत मंत्री है आर के सिंह क्या है साथी आरके सिंह भारत के विद्युत मंत्री हैं आरके सिंह क्या है भारत के विद्युत मंत्री हैं इन्होंने साथ ही वाराणसी से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है वाराणसी से ग्राम उजाला योजना वाराणसी से कौन सी योजना ग्राम उजाला योजना लिखो जल्दी जल्दी याद करना है तुम्हें ये ग्राम उजाला योजना क्या करना पड़ता है इसमें दस का एलईडी बल्ब मिलता है ग्राम उजाला योजना दस रुपए का एलईडी बल्ब यह किसने शुरू किए तो ये साथी सिंह ने शुरू की है मोदी जी के द्वारा क्या क्या शुरू किया गया है तो मोदी जी ने यहां पर किया है जैसे तीन चार चीज उत्तर प्रदेश के बहराइच में उत्तर प्रदेश के बहराइच इसमें साथी उन्होंने महाराज सुहलदेव का स्मारक महा राज सुहलदेव का स्मारक सुहलदेव जी का स्मारक इस इसका उद्घाटन किया बहराइच में उत्तर प्रदेश में यहीं पर साथी एक चितौरा झील है चितौरा झील चितौरा झील का जो एक उसमें रिपेयरिंग वर्क है उसका उद्घाटन किया है एक चीज याद रखिएगा बहराइच में सैयद सलार मसूद की दरगाह है सैयद सलार मसूद दरगाह कहां पर हो जाती है तो आप कहोगे भैया उत्तर प्रदेश के बहराइच में तो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराज सुहल देव जी का स्मारक चितौरा झील और सैयद सलाह मसूद की दरगाह सैयद सलाह मसूद की क्या हो जाती है साथी क्या किया इन्होंने बिल्कुल सही बिल्कुल सही इन्होंने तीसरी चीज देखें तो मोदी जी ने वाराणसी में मोदी जी ने वाराणसी में ही वाराणसी में ही साथी इन्होंने रुद्राक्ष सेंटर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है किसका उद्घाटन किया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तो वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बहराइच में महाराज सुहलदेव जी का स्मारक चितौरा झील यहीं पर सैयद सलार मसूद की दरगाह है आर के सिंह विद्युत मंत्री जो भारत सरकार के ग्राम उजाला योजना की शुरुआत इन्होंने कहां से की है तो आप कहोगे भैया वाराणसी से की है इसी तरह अगर आप चौथा पॉइंट यहां पर देखोगे तो मोदी जी ने हाल ही में अलीगढ़ मोदी जी ने अलीगढ़ इसे बहुत अच्छे से समझिएगा अलीगढ़ में अलीगढ़ में, में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास राजा महेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है विश्व विद्यालय का शिलान्यास महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है याद रखिएगा राजा महेंद्र प्रताप ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में भारत की पहली भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी भारत की पहली अंतरिम सरकार एक दिसंबर 1915 में एक दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में कहां पर यह बनाई थी साथी अफगानिस्तान रूस जर्मनी ने इसको मान्यता भी दी थी इस सरकार को रूस और जर्मनी ने मान्यता भी दी थी तो याद रखिएगा एक दिसंबर 1915 जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था तो राजा महेंद्र प्रताप ने यह बने थे उस सरकार के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे राजा महेंद्र प्रताप राजा महेंद्र प्रताप और साथ ही इसके जो पीएम बने थे वो बरक तुल्ला बने थे क्या बने थे बरक तुल्ला इसमें एक मौलवी साहब भी थे देवबंद के तो शाही रुमाल षडयंत्र शाही रुमाल षडयंत्र या इसको रेशमी रुमाल षडयंत्र कहेंगे क्या कहेंगे रेशमी रुमाल षडयंत्र यह इसी सरकार से संबंधित है रेशमी रुमाल या सिल्क रुमाल, सिल्क रुमाल कॉन्स्पीरेसी जिसमें सरकार के विरुद्ध जिहाद का जिक्र था सरकार के विरुद्ध जिहाद का जिक्र किससे संबंधित है तो रेशमी रुमाल षडयंत्र यह इसी से संबंधित है यहां तक किसी को कोई दिक्कत मोदी जी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े भी थे उसके लिए इन्होंने जमीन भी लीज पे दी थी अफगानिस्तान में भारत की पहली अंतरिम सरकार वर्ल्ड वार वन के समय अफगानिस्तान में जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे और प्रधानमंत्री कौन थे बरकुल्ला थे रेशमी रूमाल षडयंत्र भी इसी से जुड़ा हुआ है इसी प्रकार पीएम मोदी जी ने पीएम मोदी ने साथी महोबा उत्तर प्रदेश में कहां पर महोबा उत्तर प्रदेश में महोबा उत्तर प्रदेश में इन्होंने उज्ज्वला योजना 2.0 पॉइंट उज्ज्वला योजना उज्ज्वला स्कीम 2.0 पॉइंट उज्जवला स्कीम 2.0 की शुरुआत की है किसकी शुरुआत की है साथी 2.0 की शुरुआत की है कहां से यूपी के महोबा से इसमें क्या है एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य है उन लोगों को अति गरीब लोगों को जो पहली छूट गए थे अति गरीब लोगों को अति गरीब लोगों को याद रखिएगा जो पहले अति गरीब लोग छूट गए थे उनको एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य है इससे पहले जो उज्जवला योजना थी उज्जवला योजना वन पॉइंट जीरो जो कि 2016 में लॉन्च की थी यह भी साथी उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की थी इसको भी कहां से लॉन्च किया था बलिया से लॉन्च किया था इसमें आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे थे कितने कनेक्शन आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन अब इन्होंने उज्ज्वला टू पॉइंट जीरो भी कहां से शुरू की है तो आप कहोगे भैया यह भी इन्होंने उत्तर प्रदेश से शुरू की है ये भी इन्होंने कहां तो से शुरू किया तो ये आप ये कहोगे उत्तर प्रदेश से शुरू की है आगे आ जाता है उत्तर प्रदेश की अन्य स्कीम अन्य स्कीमों में देख लेते हैं यूपी की अन्य स्कीम तो इसमें हम देखेंगे उद्यम सारथी ऐप कौन सी ऐप साथी उद्यम सारथी ऐप उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च की थी इन्होंने इसी तरह आ जाता है बाल सेवा मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना इसको भी अभी हम करेंगे हरबल सड़क की बात करें सेफ सिटी बाल श्रमिक विद्या योजना बाल श्रमिक विद्या योजना बाल श्रमिक विद्या, विद्या योजना ये भी इन्होंने शुरू की है उसके अलावा इनकी एक स्कीम थी सेफ सिटी योजना मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना हर्बल रोड परियोजना या हर्बल रोड 800 किलोमीटर की सेफ सिटी सेफ सिटी अभियुदय योजना फ्री तैयारी के लिए अभियुदय योजना यहां तक किसी को कोई दिक्कत उद्यम सारथी ऐप बाल श्रमिक विद्या योजना मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना हर्बल रोड सेफ सिटी हर्बल रोड सेफ सिटी अभियुदय योजना अन्य स्कीम में क्या चाहता है उद्यम सारथी एप बाल श्रमिक मेजर ध्यानचंद पथ की जो खिलाड़ी हैं अंतरराष्ट्रीय हैं उनके घरों तक पक्की सड़क हर्बल रोड सेफ सिटी और अभियुदय योजना हर्बल रोड सेफ सिटी अभियुदय योजना उत्तर प्रदेश को अवार्ड देखे कि उत्तर प्रदेश को अवार्ड कौन से मिले हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में बेस्ट परफॉर्म आवास योजना में प्रथम एक तो इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम अवार्ड मिला योजना में प्रथम उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना में ई पंचायत पुरस्कार 2021 भी मिला ई पंचायत अवार्ड 2021 भी यूपी को मिला है इसी प्रकार साथी इन लोगों को स्मार्ट सिटी में मिला है स्मार्ट सिटी अवार्ड में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को पीएम आवास योजना में प्रथम ई पंचायत स्मार्ट सिटी 2021 गणतंत्र दिवस की झांकी में 2021 गणतंत्र दिवस की झांकी में इनको अवार्ड मिला है झांकी राम मंदिर थीम के ऊपर जो गणतंत्र दिवस की झांकी है उसमें भी किसको अवार्ड मिला था तो आप कहोगे भैया इन्हीं को अवार्ड मिला था इन्हीं को अवार्ड मिला था यहां तक किसी को कोई दिक्कत स्मार्ट सिटी में पहले नंबर पर था जबकि वाराणसी वाटर मैनेजमेंट और कोविड उसमें दूसरे नंबर पर था आगे जाते साथी इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पक्षी उत्सव यह गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव यह गोरखपुर में एक यहीं पर याद रखिएगा अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान यह भी यहीं पर है प्राणी उद्यान यह भी कहां पर है यहीं पर है साथी सुर सरोवर या कीथम झील सुर सरोवर या कीथम झील सुर सरोवर या कीथम झील आगरा यह हाल ही में आठवां रामसर स्थल बना है आठवां यूपी का रामसर साइट आठवा यूपी का रामसर स्थल बना है कीथम झील या सुरसरोवर तो पीएम आवास योजना ई पंचायत स्मार्ट सिटी में कोविड इनोवेशन और वाटर मैनेजमेंट में वाराणसी दूसरे नंबर पर रहा पूरे देश में वाराणसी सेकंड पर जबकि स्मार्ट सिटी राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम पे रहा राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम पे रहा इसी तरह साथी फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसमें मत्स्य विकास बोर्ड मत्स्य विकास बोर्ड इसमें जो इनलैंड फिशरी है अंतरदेशीय में यूपी पहले नंबर पर रहा यूपी फर्स्ट यूपी फर्स्ट मत्स्य विकास बोर्ड में इंग्लैंड में क्या रहा है यूपी फर्स्ट रहा है इसमें एक और चीज याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि भारत का पहला भारत का प्रथम ग्रीन म्यूनिसिपल बो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड भारत का पहला यह भी कह सकते हैं हरित निगम बॉन्ड म्यूनिसिपल का अर्थ क्या होता है निगम होता है जो इस सफाई वाली होती है क्या बोलते हैं इनको नगर निगम आदि यह किसने लॉन्च किया है यह गाजियाबाद ने लॉन्च किया किसने लॉन्च किया साथी गाजियाबाद गाजियाबाद नगर निगम ने याद रखिएगा जो गाजियाबाद नगर निगम है गाजियाबाद नगर निगम जीएनएन इसने ये भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं पहला लेदर पार्क कानपुर पहला लेदर पार्क कहां पर है आप कहोगे भैया कानपुर में पहला लेदर पार्क कहां पर है यह भी कहां पर है कानपुर में हो जाता है पहला लेदर पार्क कहां पर है साथी? कानपुर बिल्कुल सही और दो यहां पे याद रखिएगा मंडवा डीही जो रेलवे स्टेशन है मंडवा डी रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन और जो मुगल नाम था मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर mm. मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह हो गया आपका दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नोट कर लीजिए बच्चा भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड हरित निगम बाउंड ये गाजियाबाद नगर निगम पहला लेदर पार्क कानपुर मंडवा डिहरी रेलवे स्टेशन यह हो जाता है इसका नाम बदलकर बनारस मुगल सराय इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय यूपी का अवार्ड जो यूपी को अवार्ड मिले हैं स्मार्ट सिटी में राज्यों में प्रथम राज्यों में प्रथम आया बेस्ट परफॉर्मिंग प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ई पंचायत पुरस्कारों में भी मत्स्य विकास बोर्ड जो अंतरदेशीय मछली पालन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है स्मार्ट सिटी राज्यों में प्रथम कोविड इनोवेशन और वाटर मैनेजमेंट में वाराणसी पर नंबर पर 2021 गणतंत्र दिवस की झांकी राम मंदिर पर पहला अवार्ड मिला फर्स्ट प्रथम प्रथम इसमें भी क्या आया आया साथी उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव गोरखपुर यही पर अशाक उल्ला खान प्राणी उद्यान है सुर सरोवर की थमझील आगरा आठवा यूपी का रामसर स्थल अन्य स्कीम उद्यम सारथी बाल श्रमिक मेजर ध्यानचंद हर्बल रोड सेफ सिटी अभियोदय सीएम बाल विकास योजना कोविड बाल विकास योजना जो अनाथ बच्चे हुए हैं कोविड के कारण मुख्यमंत्री बाल विकास योजना इधर महोबा में उज्ज्वला 2.0 पॉइंट जीरो दस अगस्त को एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन 10 अगस्त 2021 को जबकि पहली वाली जो स्कीम थी उज्ज्वला वो बलिया 2016 अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास अफगानिस्तान में भारत की पहली अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति थे जबकि प्रधानमंत्री बरकतुल्ला से रेशमी में रूमाल षडयंत्र जुड़ा हुआ है अब बताइए यहां तक से सेटिस्फाई हो तो एक बार क्या तुम शेयर नहीं करोगे यार कहां से मुझे भी तुम लोगों का मोटिवेशन मिलेगा क्या मेरा दिल नहीं करता या हक नहीं है मेरा तो एक बार सब लोग मिलकर शेयर कर दो सब लोग मिलकर शेयर कर दीजिए तो मन करता है यार ये पढ़ना नहीं है इनको छोड़ क्यों कोई इतनी मेहनत करेगा एक एक चीज पिछले छह महीने के जनवरी से एक एक चीज तुम लोगों को उत्तर प्रदेश के लिखवा दी चलिए आगे आ जाते हैं साथी हाल ही में किस संस्था ने लैंड सेट नो नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया है पृथ्वी अवलोकन या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो पृथ्वी की निगरानी करेगा मौसम की निगरानी करेगा पर्यावरण की निगरानी करेगा एक बार सब लोग शेयर कर दो तो तुरंत दिखता है कि हां तुम लोग भी साथ हो हंसते होंगे यार लोग देखकर कि बेकार है गधा ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा है ऐसा कंटेंट है कौन देखता है इसको और ऊपर से लेके निकल जाओ बस दुनिया दीवानी लैंडसेट नो नाम का लेकिन याद रखिएगा पेपर एक परसेंट ही निकालते निन्यानवे परसेंट नहीं निकाल पाते पेपर एक परसेंट निकालते हैं तुम उनमें से एक परसेंट बनो बस पृथ्वी निगरानी उपग्रह किसने यह साथी नासा ने लॉन्च किया है यह किसने लॉन्च किया है तो आप कहोगे भैया ये नासा ने लॉन्च किया है याद रखिएगा यह किसने लॉन्च किया साथी यह नासा ने लॉन्च किया है लैंडसेट नो नाम का कैलिफोर्निया का वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स देखिए आप सभी जानते अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने स्पेस के लिए अपनी एक अलग से फोर्स बनाई है तो वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है कैलिफोर्निया वहां से इसे लॉन्च किया है यह यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और नासा का जॉइंट वेंचर है इसे आप यह भी कह सकते हो नासा की आकाश में एक नई आंख जो कि पृथ्वी की, की जलवायु में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं उन सब पर नजर रखेगी इसका नाम क्या रखा गया इसका नाम रखा गया साथी लैंड सेट नो नो लैंड सेट नो सेट का मतलब सैटेलाइट यूएसजीएस और नासा का ये ज्वाइंट वेंचर है चलिए नासा की बात करते हैं नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनोटिक्स नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए स्थापना कब हुई एक अक्टूबर उन्नीस जुलाई उन्नीस में इसके स्थापना की बात चली लेकिन हुई कब स्थापना एक अक्टूबर उन्नीस उस समय इनके राष्ट्रपति हुआ करते थे आइजन होवर डी आइजन होवर डी आइजन होवर इसलिए रास्ता की स्थापना जरूरी हो गई थी कि उससे एक साल पहले उन्नीस में दुनिया का पहला स्पूतनिक एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रूस ने लॉन्च कर दिया था तो रूस से मुकाबला करने के लिए इनको एक बढ़िया सी एजेंसी की नीड थी तो एक अक्टूबर उन्नीस को नासा हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी प्रशासक बिल नेल्सन प्रशासक कौन है चौधवें प्रमुख प्रशासक मतलब प्रमुख समझ लीजिए कि नासा के प्रमुख कौन है बिल नेल्सन चौदवें प्रमुख है जबकि उप प्रशासक यह पामेला मेलरॉय उप प्रशासक है तो मुखिया कौन है बिल हैलसन हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी हेडक्वारन डीसी वर्ल्ड बैंक का भी भी यहीं पर पर है वर्ल्ड बैंक का वहीं है और साथ ही आई एम एफ का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है यह अमेरिका की राजधानी भी है पोटोमेक नदी के किनारे कौन सी नदी पोटोमेक नदी के किनारे पोटोमेक रिवर के किनारे वॉशिंगटन डीसी एक अप्रैल उन्नीस सौ अट्ठावन नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही साथी नेशनल एरोनोटिक्स आगे आ जाता है फ्यूमियो किशीडा फ्यूमियो किशीडा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं या आप ये कहेंगे कि नए प्रधानमंत्री होंगे मतलब ये तय किए जा चुके हैं एक दो दिन में शपथ लेंगे कौन होता है प्रधानमंत्री जैसे इनकी संसद है संसद में सदस्य जिसे अपना नेता चुन लें वही तो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होता है तो जो फ्यूमियो किशिडा है ये साथी जापान के पूर्व विदेश मंत्री भी है आपको याद होगा कि सितंबर की शुरुआत में वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री योशी हिडे सुगे ने कहा था कि वो पद छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात थी कि नए के लिए नया प्रधानमंत्री चुना जाना जरूरी था तो इनकी जो पार्टी है पार्टी के जो सांसद है उन्होंने फ्यूमियो किशिदा, फ्यूमियो किशिदा, इन्हें साथी जापान का नया प्रधानमंत्री चुनने का फैसला किया है इन्हें अपना नेता चुना है ये कौन सी पार्टी के है ये सिंजो आबे वाली पार्टी है जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के सदस्य हैं तो एलडीपी के सांसदों ने फ्यूमियो किशिदाजी को चुना है अब योशी हिडे सुगे का ये स्थान लेंगे किसका स्थान लेंगे योशी हिडे सुगे का स्थान लेंगे उन्होंने अपने पद से हटने की घोषणा सितंबर शुरुआत में कर दी थी अभी वर्तमान में ये पहले विदेश मंत्री भी रह चुके मतलब इससे पहले फ्यूमियो किशिदा विदेश मंत्री भी रह चुके हैं तो याद रखिएगा फ्यूमियो किशिदा ये जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे क्या होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री जापान की बात करें तो राजधानी क्या हो जाती है टोक्यो टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे और कौन से द्वीप पर है जापान के सबसे बड़े होनशू द्वीप पर है जापान के सबसे बड़े होनशू द्वीप पर इनकी करेंसी क्या हो जाती है येन हो जाती है प्रधानमंत्री योशी हिडेसुगा इनके स्थान पर कौन होंगे किशिदा भारत के जापान में राजदूत संजय कुमार वर्मा और जापान की संसद का नाम क्या है जापान की संसद का नाम डाइट है साथी जापान की संसद जैसे हमारी को हमारे पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है जो जापान का पार्लियामेंट है याद रखिएगा उसे साथी डाइट कहा जाता है जापान के प्रधान मतलब वहां की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है डाइट इसमें भी दो सदन होते हैं एक में 245 सीट और एक में हो जाती है चार सीट एक में 245 और एक में क्या हो जाती है चार सीट हो जाती है द्विसदनीय यहां का विधानमंडल है जिसे डाइट कहा जाता है अब याद रखिएगा जापान क्या है एक प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है प्रशांत महासागर में स्थित ये प्रशांत महा सागर में स्थित है और एक द्वीपीय देश है द्वीपीय देश का अर्थ होता है साथी आइलैंड कंट्री है कि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है इसमें पांच प्रमुख हालांकि चार ही माने जाते हैं पांच प्रमुख द्वीप हैं जिनसे मिलकर बनाए छोटे छोटे तो बहुत सारे इसमें जो सबसे बड़ा है इसे होन्शु द्वीप कहते हैं क्या कहते हैं होनशु द्वीप जिसपे राजधानी है टोकियो माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी है यह साथी सबसे बड़ा द्वीप है जबकि इसके सबसे उत्तर में स्थित है हो नीचे देखोगे तो तीसरे नंबर का जो ऊपर से स्थित है वो है शिकोकू और वैसे इन चार में सबसे छोटा भी है और इधर आ जाता है क्यूशु क्यूशू जिस पर नागाकी नाम का शहर स्थित है नागाकी तो सबसे बड़ा हो जाता है होन्शो सबसे उत्तर में हो जाता है होकाइडो अब ये जो आपके अच्छे अच्छे शहर हैं जितने भी जापान के फेमस जैसे टोक्यो शहर हो जैसे योकोहामा शहर हो योकोहामा जैसे नगोया प्रोटोकॉल वाला नगोया शहर हो या क्योटो प्रोटोकॉल वाला क्योटो शहर हो या ओसाका शहर हो ये जितने भी महत्वपूर्ण शहर है जापान के ये होन्शु द्वीप पर पड़ते हैं हिरोशिमा ये भी साथी होंशु द्वीप पर पड़ता है किस पर पड़ता है होंशु द्वीप पर जबकि नागासाकी साकी यह क्यूशु द्वीप पर पड़ता है तो कोई पूछे कि भैया सबसे बड़ा बताइए क्यूशु से नीचे यहां पर एक और हो जाता है ओकी नावा जो पांचवा आइलैंड में आपको बता रहा था तो पांच प्रमुख द्वीप है अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे नॉर्थ से साउथ होकाइडो होनशु होकाइडो होन्शु, होकाईडो, होन्शु शिकोकु, क्यूश ओकिनावा, ओकिनावा, ये नावा यह हो जाते हैं साथ ही इसके पांच प्रमुख द्वीप सबसे उत्तर में जो दूसरे नंबर पर ऊपर से देखोगे होकाइडो होन्शो शिकोको क्यूसर ओकिनावा, जबकि सबसे बड़ा देखोगे होन्शु द्वीप हो जाता है इनमें सबसे बड़ा मेन मेन शहर इसी पर माउंट फ्यूजी भी इसी पर है सेंडी नाम का शहर इस बार एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस का बता रहा हूं या तो आपसे जापान के चार शहरों को उत्तर से दक्षिण में लगवाएगा जैसे सप्पारो ये सप्पारो जो है होकाइडो में सेंडी फिर अजत टोकियो योकोहामा नगोया कोटो ओसाका या हिरोशिमा या फिर जो ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं ब्रिस्बेन सिडनी कैनबरा मेलबर्न एडिलेड इनको उत्तर से दक्षिण लगवाएगा एक क्वेश्चन लेकिन पूछेगा जरूर समझे मेरी बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई परेशानी चलिए बच्चा हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बमबारी हुई थी हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन फैटमैन हिरोशिमा पर कौन सा था लिटिल बॉय बिल्कुल सही 6 अगस्त 1945 परमाणु बम और नागासाकी पर फैटमैन 9 अगस्त को फैटमैन परमाणु बम आगे आ जाते बच्चा अभी यहां पर जापान के दो ऐसे द्वीप हैं जिनका जिनको लेकर चीन के साथ विवाद चल रहा है साथ ही चीन इनको डायओयू आईलैंड कहता है चीन क्या कहता है डायओ डायो यू आईलैंड जबकि जापान कहता है सैन काकू द्वीप जापान इन द्वीपों को क्या कहता है सैन द्वीप कहता है और मैं आपको बता दूं कि ये अभी वर्तमान में जापान के अंडर है ये देख रहे हो जापान तो यहां पर ये द्वीप है ये चीन के पास भी है ताइवान के पास भी है जापान के जापान इन्हें सेंकाकू कहता है और चीन इन्हें क्या कहता है कहता है चीन क्या कहता है साथी डाई ओयू कहता है ये बात भी हम आपकी बिल्कुल समझ गए ये बात भी हम लोग बिल्कुल आपकी समझ गए कि भैया चीन को उगते सूरज का देश कहा जाता है बहुत ही बड़ी खबर दी आपने उगते सूरज का देश कहा जाता है इससे बड़ी खबर आज आज के लिए मेरे पास नहीं है भाई चलिए आगे आ जाते हैं कावेरी रिवर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है कावेरी रिवर निम्नलिखित में से किस राज्य देखिए एक तो होता तो है कर्नाटक से निकली और अनिकट बांध तमिलनाडु यह तो कोई दिक्कत ही नहीं है कर्नाटक और तमिलनाडु लेकिन अगर इसके बेसिन की बात करोगे कि इसका जो बेसिन है तो बेसिन में क्या जाता है साथी किसी भी नदी का अगर आप बेसिन देखोगे तो इसमें दो चीजें आती हैं एक तो इसमें मुख्य नदी मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियां इन सबको मिलाकर मुख्य नदी और साथ ही इसकी सहायक नदियां भी बेसिन में आ जाती हैं तो बेसिन कर्नाटक में तमिलनाडु में केरल में और साथ ही पुदुचेरी में फैला हुआ है किस में फैला हुआ है पुदुचेरी में यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी बहती तो ये दो राज्यों से होकर है मुख्य नदी कर्नाटक और तमिलनाडु लेकिन इसका जो बेसिन है वो चार राज्यों में फैला है कर्नाटक तमिलनाडु क्योंकि बेसिन के अंदर मुख्य नदी भी आ जाती है और सहायक नदियां जिनको ट्रिब्यूटरी भी आ जाती है तो कर्नाटक तमिलनाडु केरल और पुदुचेरी कर्नाटक तमिलनाडु केरल और पुदुचेरी अब ये चर्चा में क्यों है पहले तो आप इधर देखिए कावेरी को कावेरी के ऊपर कावेरी नदी के बंटवारे के ऊपर कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और साथ ही केरल इनके बीच में विवाद है तो ये कोड़ागु माउंटेन से निकलती है और साथ ही शिव जल प्रपात से होती हुई ये आगे मैसूर के से आगे बढ़ती 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 फिर आ जाता है मेटूर जलाशय और साथ ही फिर क्या जाता है ग्रेंड अनीकट जो भारत का सबसे पहला बांध है और फिर जाके थंजावर भी इसके पास है ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है लेकिन बीच में इसमें कई नदियां हैं कई सहायक नदियां हैं जो बीच बीच में इसमें एंटर लेती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भागना मत अब जो लिखवा रहा हूं अगले दस मिनट ये बहुत महत्वपूर्ण तो है तो क्या था कि कर्नाटक और केरल में ये कर्नाटक और तमिलनाडु में साथ ही कावेरी के कावेरी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर जे राज्यों के बीच में कई सारे जैसे सतलज नदी के जल बंटवारे को लेकर है कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर है कृष्णा नदी के जल बंटवारे को महानदी नदी के महादेई नदी के बहुत सारी नदियां तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जब भी एक से ज्यादा राज्यों के बीच में किसी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो केंद्र सरकार एक वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना देती है इसके आदेशों को मानना यह राज्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है तो इसने कर्नाटक को कहा है कि तमिलनाडु को पानी की जितनी मात्रा उसके हिस्से की बची हुई है उसे तुरंत छोड़ दो क्या है कि कर्नाटक बांध आदि बनाकर पानी को रोक लेता है तो अब इन्होंने कहा है कि भाई एक काम करो आप क्या करो बहुत जल्दी से उनकी जो पानी की मात्रा है आप उस पानी की मात्रा को तुरंत छोड़ दीजिए जो भी पानी की मात्रा है आप इस पानी की मात्रा को तुरंत छोड़ दीजिए यह बात किसने कही है साथी तो याद रखिएगा यह बात कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कही है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कही है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बात कही है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बात साथी कही है देखिए 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस आदेश के तहत याद रखिएगा कर्नाटक को दो सौ टीएमसी फिट दो सौ चौरासी टीएमसी टी फिट आप ये कहिए ये लगभग टेन टू पावर नाइन या एक बिलियन क्यूबिक फिट एक बिलियन क्यूबिक फिट पानी की एक मात्रा होती है यह कर्नाटक को मिले ये किसको मिले कर्नाटक को कर्नाटक को जो पानी की मात्रा मिले वो दो सौ टीएमसी फिट मिले जो तमिलनाडु को पानी की मात्रा मिले वो 404.25 टीएमसी क्यूबिक फिट मिले उसके बाद में केरल को 30 और पुदुचेरी को 7 केरल को मिले 30 और पुदुचेरी को मिले 7 यह पानी का बंटवारा किया ये क्या किया साथी पानी का बंटवारा किया जबकि दस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दस टीएमसी फिट यह एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए यह रिजर्व कर दी गई तो यह कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को तो यह आदेश दिया गया इस प्रकार से पानी का बंटवारा होगा तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु को मिल रहा है लेकिन कर्नाटक छोड़ेगा तभी तो तमिलनाडु को मिलेगा तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट को सलाह दी गई है पता इसने उनको कहा है कि आप तुरंत के तुरंत ये साथी इसका पानी दे दीजिए जो भी इसका पानी बचा हुआ है अब आ जाता है अंतरराज्य नदी विवाद जो अंतरराज्य नदी विवाद होते हैं देखिए साथी जो अनुसूची सात की ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुसूची सात की जो राज्य सूची है लिस्ट दो तो राज्य सूची में पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर सत्रह जो है राज्य सूची का पॉइंट नंबर सत्रह यह साथी सिंचाई सिंचाई नहर आदि से संबंधित है कि राज्य की सिंचाई नहर आदि यह कौन बनाएगा इसके ऊपर कानून राज्य बनाएगा जबकि जो संघ सूची है संघ सूची संघ सूची की एंट्री नंबर छप्पन यह साथी हमारी संसद को यह शक्ति देती है किसको देती है हमारी केंद्र सरकार को शक्ति देती है कि केंद्र जो है साथी जो केंद्र सरकार है वो अंतरराज्यीय नदी विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराज्य नदी विवादों को सुलझाने के लिए एक उचित मंच अंतरराज्यीय नदी विवाद सुलझाने का कार्य किसको दिया गया है अंतरराज्यीय नदी विवाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इसी को लेकर साथी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट करके आया था उन्नीस में उन्नीस में कानून भी आया था जो अंतरराज्यीय नदी विवाद को सॉल्व करने से संबंधित था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट और याद रखिएगा जो अनुच्छेद दो है कौन सा 262 है साथी अनुच्छेद दो है अनुच्छेद दो है हमारे संविधान का अनुच्छेद दो इसी से अंतरराज्य इंटर स्टेट अंतरराज्य नदी जल बंटवारे के प्राधिकरण बनते हैं जैसे कावेरी कृष्णा इन नदियों का जो जल का बंटवारा है उस पर नजर रखने के लिए अथॉरिटी बनती है अनुच्छेद दो से तो सिंचाई आदि किसके अंदर आती है राज्य सरकार के अंदर लेकिन अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी नदी को लेकर विवाद है तो वो संघ सूची केंद्र अर्थात पार्लियामेंट उस पर कानून बनाता है इसी को लेकर पार्लियामेंट ने उन्नीस में कानून बनाया था उसी के तहत नदियों के जल का बंटवारा होता है और इसको लागू करने के लिए इनके आदेश को अंतर नदी जल बंटवारा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनते और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है इसमें मामला कहां लेकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं इसी के तहत 2018 में ये साथी सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी का जल बांटा था सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी का जल बांटा था यह चीज क्लियर हुई आगे आ जाते हैं कावेरी नदी की बात करते हैं निकलती कर्नाटक से कावेरी नदी कावेरी जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं दक्षिण गंगा नहीं दक्षिण की गंगा अगर की लग जाए बीच में तो कावेरी कावेरी नदी 805 किलोमीटर लंबी है 805 किलोमीटर लंबी है उद्गम की बात करें सोर्स क्या है इसका तो कर्नाटक से निकलती है कर्नाटक से ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है वहां से और इसका मुख कहां पर है माउथ कहां पर है तो साथ बंगाल की खाड़ी तंजावर के पास तंजौर के पास बंगाल की खाड़ी तंजौर के पास बांध है कृष्णा राज्य सागर बांध यह हो जाता है कर्नाटक में जबकि मेटूर तमिलनाडु ग्रैंड अनिकट और कलनई बांध भारत का सबसे प्राचीन बांध भारत सबसे प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन बांध राज राजा राज, राज राजा राजा चोल ने बनवाया था किसने बनवाया था राजा राज चोल ने याद रखिएगा चोल वंश का जो राजा था भारत का सबसे प्राचीन बांध भारत का सबसे प्राचीन बांध कलरी बांध यह तंजौर के निकट है किसके निकट है तमिलनाडु का शहर जो है तंजौर उसके निकट है जो तमिलनाडु का शहर है साथी उसके निकट है बिल्कुल सही तमिलनाडु का जो शहर है चलिए अब इसकी अगर हम लोग कुछ बांध देखें तो कृष्णा राज सागर मेटूर बांध ग्रैंड अनिकट बांध इसकी कुछ हम लोग ट्रिब्यूटरीज देखें कि भाई कावेरी की सहायक नदियां कौन है तो हारंगी हेमवती हारंगी हेमवती ये लेफ्ट बैंक की है हारंगी और हेमवती अगर हम इसकी देखें राइट बैंक की तो साथी भवानी भवानी काबिनी भवानी काबिनी और नोयल नदी जो है ये बहुत ही फेमस कावेरी की सहायक नदियां हैं नोयल नदी के किनारे कोयम्बटूर शहर बसा हुआ है जो कोयम्बटूर शहर है ये नोयल नदी के किनारे है अब लिख लीजिए तो कावेरी दक्षिण की गंगा 805 किलोमीटर उद्यम कर्नाटक माउथ कहां पर है बंगाल की खाड़ी किसलराज सागर बांध कर्नाटक मेटूर डैम तमिलनाडु ग्रैंड अनी तंजौर के निकट कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम शिव समुद्रम जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात जहां पे दो झरने हैं एक बात याद रखिएगा भारत का पहला भारत का पहला प्रथम जो बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो यहीं पर लगाया गया था शिव समुद्रम 1902 सौ हारंगी हेमवती हारंगी और हेमवती ये दो इसके सहायक नदियां लेफ्ट बैंक की है। भवानी काबनी और नोयल नदी नोयल नदी के किनारे कोयम्बटूर शहर है दिव्या तुम्हें गुस्सा आएगा तो क्या हो गया बच्चा कल लो तुम गुस्सा पढ़ तो पढ़ोगी तो नहीं लिखोगी तो नहीं गुस्सा ही तुम कर सकती हो कोई बात नहीं बेटा कर गुस्सा यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत कावेरी को क्या कहते हैं दक्षिण की गंगा कितने किलोमीटर 805 किलोमीटर इसकी नदियां बताइए हारंगी हेमवती उल्टे हाथ से आके जोड़ती है लेफ्ट बैंक की नदियां भवानी काबिनी नोयल ये राइट बैंक नोयल के किनारे कोयम्बटूर शहर उद्गम कर्नाटक मिलती है बंगाल की खाड़ी शिव समुन्द्र जलप्रपात भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उन्नीस में भारत का सबसे प्राचीन बांध कावेरी राज राजा चोल ने बनवाया था कल ग्रैंड अनिकट ग्रैंड अनिकट भी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रेंड अनिकट अनुच्छेद बासठ अंतरराज्य नदी जल बंटवारे से संबंधित है अंतरराज्य नदी जल बंटवारे से संबंधित है चलिए भैया यहां तक किसी को दिक्कत नहीं शांति स्वरूप भटनागर शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नीस से दिया जा रहा है कब से दिया जा रहा है साथी प्रथम बार फर्स्ट टाइम जो दिया गया था वो 1958 में दिया गया था उन्नीस में सात कैटेगरी होती है कितनी कैटेगरी होती है तो सात कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है पहले इसमें दो लाख रुपए दिए जाते थे प्राइज मनी जो है अब साथी पांच लाख रुपए है पैंतालीस वर्ष से कम उम्र के पैतालीस वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है कम उम्र के वैज्ञानिकों को अवार्ड जिस साल दिया जा रहा है उससे पांच साल पहले पांच वर्ष पहले तक के कार्यों के लिए पांच वर्ष के अंदर जो भी कार्य किए हो पांच वर्ष के अंदर जो भी वैज्ञानिकों ने कार्य किए हो उसके लिए दिया जाता है इसमें पांच लाख रुपए तो प्राइज मनी है और पंद्रह हजार रुपए प्रति महीना तनख्वाह है इस बार सात कैटेगरी में कुल मिला के ग्यारह लोगों को दिया गया है सात कैटेगरी में कुल मिला के अब कहोगे सर शांति स्वरूप भटनागर कौन थे सी एस आई आर के संस्थापक सी एस आई आर के आप कह सकते हो सर संस्थापक थे जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड 26 सितंबर 1942 को जिसकी हुई स्थापना हुई थी अभी अस्सीवा स्थापना दिवस मनाया है तो सी एस आई आर के संस्थापक है शांति स्वरूप भटनागर तो सी एस आई आर भारत में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े सबसे ज्यादा रिसर्च यही संस्था करती है तो इसी के संस्थापक के नाम पर उन्नीस से शांति स्वरूप भटनागर सात कैटेगरी में दिया जाता है कितनी कैटेगरी में सात कैटेगरी में दिया जाता है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है इसमें पैंसठ वर्ष की आयु तक आप याद रखिएगा पंद्रह हजार भी पेंशन मिलती है अब देखो ध्यान बायोलॉजिकल साइंसिस के लिए बायो अगर आपके शरीर के सेल ना मरे और शरीर के सेल खुद को बनाते रहे रेजुमिनेट करते रहे तो आपका जीवन अमित अमिताभ बच्चन की तरह जवान रहोगे ऐसे याद कर लेना अमित अरुण सूर्य की तरह अरुण का मतलब सूर्य भी होता है सूर्य की तरह जवान तो याद रखिएगा अमित अरुण इन्हें बायोलॉजी के लिए दिया गया है आप ये भी कह सकते हो बा, बा, बायोलॉजिकल बा बी से बायोलॉजी अमित और अरुण बी से बायोलॉजी अमित और अरुण बी से बायोलॉजी अमित और अरुण इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं डॉक्टर अमित आई बेंगलुरु और अरुण कुमार शुक्ला आईआईटी कानपुर चलिए केमिकल की बात करें रसायन विज्ञान की बात करें तो साथी कनिष्क का विश्वास कनिष्क का विश्वास आप याद रखिएगा आपको अपने शरीर के अंदर का जो दम है अपने केमिकल पर विश्वास होना चाहिए अपने केमिकल्स पर विश्वास होना चाहिए तुम्हें और टी गोविंद राजू टी गोविंद राजू 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 भाई याद है हेरा फेरी गोविंदा तो गोविंदा राजू ऐसे याद कर लेना कि गोविंदा केमिकल लोचा हो गया उसके उसमें दिमाग में गोविंदा के दिमाग में राजू भाई जो थे हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार केमिकल लोचा तो वहां से याद रखिएगा यहां से हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर पृथ्वी वायुमंडल महासागर या ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें बिने कुमार साई किया बिने कुमार साई किया बिने कुमार बिने कुमार सही किया बिने कुमार सही किया।, किया।, किया अब जैसे पृथ्वी वायुमंडल तो पृथ्वी वायुमंडल को सही किया कैसे याद करोगे पृथ्वी वायुमंडल को सही किया पृथ्वी वायुमंडल केमिकल को तो सही कर नहीं सकते पृथ्वी पे जो प्रदूषण है उसी को सही कर सकते हैं उसी को सही कर सकते हैं तो इसमें अर्थ वाले में एक कोई मिला था अर्थ वाले में किसको मिला था एक को इंजीनियरिंग की बात करें तो देप दीप मुख्य उपाध्याय तो ये कहेंगे मुख्य इंजीनियर कौन है ये बताइए साइट का मुख्य तो इंजीनियर कौन है तो वहां से याद रख लीजिएगा मुख्य इंजीनियर कौन है देवदीप मुख्य उपाध्याय मैथ की बात करें तो अनीस घोष और साकेत सौरव अनीस घोष साकेत तो अगर जैसे मैथ के अवार्ड की घोषणा हुई भाई घोषणा मैथ सबसे टफ सब्जेक्ट होता था कि भाई इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं तो सासा सा सा घोष सासा ऐसे याद कर लेना साकेत सौरभ सासा की घोषणा हुई कि मैथ में सा साशा सावाश साबाश बेटा साबाश वहां से भी याद कर सकते हो चलिए मेडिकल साइंस की बात करें जो बायो का यूज चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं तो जीमोन जीमन मक्कल तो जीवन जीवन की जगह क्या रख सकते हो जीवन तो ऐसे याद कर लेना कि जो मेडिकल होती है वो जीवन बचाने के काम ही तो आती है चिकित्सा जीवन जीवन और रोहित श्रीवास्तव रोहित श्रीवास्तव भाई जो डॉक्टर है वो हमारे हित में तो काम करता है डॉक्टर हमारे फायदे की तो बात करता है हम

फिजिक्स का पार्ट होता है अब देखो अब देखो अब मैं आपको कैसे याद करा रहा हूं फिजिकल साइंसेस की बात करें भौतिकी फिजिकल साइंसेस भौतिकी में बताना बताना है और ट्रिक के माध्यम से बताना है रसायन में बताने है, केमिकल लोचा करो दिमाग में क्या करो केमिकल लोचा कर लो अपने में बायोलॉजी में ऐसे याद रख लेना बायोलॉजी बायोलॉजिकल मा को और भी कहते हैं एक नाम वहां से चिकित्सा मेडिकल पे जाते हो तो क्या होता है चिकित्सा मेडिकल पर जाते हो तो क्या होता है कितने हो गए चार गणित 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 चलिए बताइए पृथ्वी वायुमंडल ये सब आ गया पृथ्वी वायुमंडल फिजिकल रसायन बायो चिकित्सा और इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग साइंसेस उत्तर दीजिए जो आपको ट्रिक बताइए उत्तर दीजिए चलिए देखो भाई ऐसा करो चिकित्सा इंजेक्शन लगवाते रोते लेकिन हमारे काम की बात होती है रोते हमारे लेकिन काम की बात होती है तो रोहित से हो गया रोते हैं लेकिन फिर भी किसकी बात होती है हमारे काम की बात होती है गणित में सासा साकेत सौरभ और घोष इसमें एक आ जाते सही किया सही किया पृथ्वी को सही किया इंजीनियरिंग में क्या आ जाता है मुख्य इंजीनियर कौन है यहां का मुखोपाध्याय करके नाम था फिजिकल में कण की बात थी कनक लता कण की बात थी कुछ चलिए रसायन में गोविंद राजू का नाम था गोविंद राजू और एक विश्वास विश्वास करके थे एक विश्वास जबकि अमित और अरुण ये कितने थे बायो में तो देख लो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दो और रह गए अब एक बार और देख लो जब दो तीन बार पढ़ोगे तुरंत तो याद हो जाएगा मेडिकल में जीवन और रोहित तो जीवन से याद रख लेना रोहित तो था ही था लेकिन मेडिकल आपका जीवन बचाता है ना तो जीवन से याद कर लेना रोहित तो था ही था लेकिन ये जीवन बचाता है एक और किसी में रह गया होगा फिजिकल में कनक इधर देखोगे साकेत सौरभ अनीश घोष मैथ में देपदीप इंजीनियरिंग में और इधर अर्थ में बिनोए और कनिष्क विश्वास और गोविंद राजू और साथ ही इधर बायो में अमित अरुण कुल मिला के ग्यारह व्यक्तियों को सात कैटेगरी में मिला है कुल मिला के ग्यारह व्यक्तियों को सात कैटेगरी में अब आपको थोड़ा थोड़ा आने लगा मुख्य इंजीनियर कौन है पृथ्वी को बिने ने सही किया गणित सासा घोष कनक रसायन गोविंद राजू विश्वास अमित अरुण बायो और चिकित्सा के लिए रोहित और जीमन चिकित्सा के लिए रोहित और जीवन करके इन दोनों लोगों को मिला है इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपको आसानी से याद हो जाएगा ये आपको आसानी से याद हो जाएगा सी के वैज्ञानिक थे जबकि सी जो होती है सी 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर इसके जो अध्यक्ष होते एक परिषद है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते और वर्तमान इसके डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे है कौन है साथी शेखर सी मंडे शेखर सी मंडे क्लियर हुई है चीज क्लियर हुई है चीज राजन कुमार मैं तू भाग यहां से तुझे लग रहा है ना टाइम पास जिंदगी भर मेरे ससरे, टाइम पास ही करोगे तुम जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि पढ़ते क्या हैं तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे व्यक्ति आप लोगों को एक एक चीज हास्य कराने की कोशिश कर रहा है किए याद कर ले लेकिन गोबर होता है ना गोबर उससे कुछ आएगा नहीं उससे कुछ आएगा नहीं गोबर इंसान को उसे क्या ऊपर ऊपर से चलिए चलिए आगे आ जाते हैं एफ टीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर एक देश अपनी एक विदेश व्यापार नीति बनाता है क्या बनाता है विदेश व्यापार नीति भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 में आई थी जो कि 30 सितंबर 2020 तक के लिए थी लेकिन कोरोना के कारण नई व्यापार नीति बन नहीं पाई क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ इसको लेकर अब इस विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2022 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है 2022 तक के लिए इसका जो उद्देश्य था साथी वो यूएस डॉलर 900 यूएस डॉलर 900 बिलियन का व्यापार करना इसका लक्ष्य था इसके कुछ लक्ष्य थे जब यह आई थी कि 2020 के अंत तक 900 बिलियन डॉलर का व्यापार करेंगे कितने बिलियन डॉलर का 900 बिलियन डॉलर का और जो व्यापार में हिस्सेदारी है भारत अपनी व्यापार में हिस्सेदारी दो परसेंट से बढ़ाकर वर्ल्ड के व्यापार में साढ़े तीन परसेंट कर लेगा लेकिन तुम लोगों को मैं समझ गया कि यहां कोई कंटेंट की वैल्यू नहीं है फालतू की बात करवा लो गधों के जैसे और पढ़ने की बात आ जाए तो फिर ऐसा मुंह बन जाता है जैसे क्या बोलूं बस हिस्सेदारी दो परसेंट से साढ़े तीन परसेंट अभी जब 2015 में आई थी विश्व के व्यापार में भारत की कितने परसेंट हिस्सेदारी थी दो परसेंट भारत इसको बढ़ाकर साथी वर्ल्ड एक्सपोर्ट की बात करें तो साढ़े तीन परसेंट करना चाहता था और कितने बिलियन डॉलर 900 बिलियन डॉलर का लक्ष्य यह लक्ष्य था अब कोरोना के कारण इसको बार बार बढ़ाया जा रहा है अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है इकतीस मार्च तो ये चर्चा में रही है तो क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का लक्ष्य क्या था कि ट्रेड को 900 बिलियन डॉलर करना हिस्सेदारी को कितना लक्ष्य था दो परसेंट से बढ़ाकर साढ़े तीस परसेंट तक दो परसेंट से बढ़ाकर साढ़े तीन परसेंट करना लक्ष्य था तीसरी बार ऐसा किया है पहले इकतीस मार्च दो तक यह खत्म हो जानी थी फिर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया और अब इसे साथ ही इकतीस मार्च 2022 तक वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात करेंगे तो कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री है और सोम प्रकाश भी राज्य मंत्री है पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री है चलिए प्रधानमंत्री ने आईसीएर आई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके द्वारा विकसित विशेष गुणों वाली कितनी फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है कितनी ऐसी फसल है जिनको राष्ट्र को समर्पित किया है एक शब्द होता है बच्चा जिसे बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं यह शब्द लेखपाल में सौ परसेंट पूछा जाएगा नाम बदल दूंगा ये क्वेश्चन ना आए। बायो फोर्टिफिकेशन तो याद रखिएगा फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि फस अनाज आदि अनाज आदि की किस्मों को अनाज आदि की किस्मों में किस्मों की पोषक वैल्यू बढ़ाना पोषक मात्रा या पोषण मात्रा बढ़ाना जो उसमें पोषक तत्व होते हैं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना जैसे आप जानते हैं कि भारत में जिंक आयरन आदि की कमी रहती है विटामिन ए आदि की कमी ये क्या रहती है इनकी कमी रहती है तो भारत सरकार के वैज्ञानिक क्या होते हैं कि वो फसलों पर रिसर्च करते रहते हैं और उनकी जीन आदि को बदलकर जैसे अनाज में जिंक बढ़ा दिया जैसे हमारा चावल और गेहूं होते इसमें जिंक की मात्रा बढ़ा दी इसी तरह जो मक्का मक्का और जो आपका ये है क्या नाम है स्वीट पटेटो बोलते हैं जैसे शकरकंदी इसमें आयरन की मात्रा बढ़ा देना विटामिन ए आदि की इस तरीके से क्या होता है कि जब किसानों को ये बीज दिए जाते हैं तो किसान इन बीजों को उगाते हैं तो फसल कैसी पैदा होती है जिसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं जिससे क्या होगा भारत में कुपोषण कम होगा भारत में कुपोषण क्या होगा कम होगा तो 35 फसलों की वैरायटी को राष्ट्र को समर्पित किया है कितने फसलों की 35 फसलों की वैरायटी को राष्ट्र को समर्पित किया है कितनी फसलों की वैरायटी को राष्ट्र को समर्पित किया है तो याद रखिएगा साथी 35 फसलों की वैरायटी को राष्ट्र को समर्पित किया है 35 फसलों की वैरायटी को साथी इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा राष्ट्र को समर्पित किया है पैंतीस फसलों की वैरायटी को राष्ट्र को समर्पित किया है बिल्कुल सही एक इसमें एक चीज और लिखिएगा आईसीआर ने बनाया आईसीआर की बात करें 16 जुलाई उन्नीस सोसाइटी एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था हेडक्वार्टर नई दिल्ली निदेशक त्रिलोचन महापात्रा यह जो परिषद है इसके अध्यक्ष कृषि और किसान कल्याण मंत्री होते हैं अभी साथी आज मंगलवार को प्रधानमंत्री चावल की दो वैरायटी लॉन्च कर रहे हैं एक का नाम है साथी पूसा उन्यासी और पूसा बासमती उन्नीस पूसा बासमती उन्नीस और पूसा बासमती पूसा बासमती ये चावल की वैरायटी है उन्नीस ये दो ऐसी वैरायटी है बहुत इंपॉर्टेंट है बात नॉन जीएम नॉन जीएम का अर्थ है कि इनकी जेन जींस में कोई बदलाव नहीं किया गया इनकी जींस में कोई बदलाव नहीं किया गया ये नॉन जीएम है कैसी है साथी नॉन जीएम हरबी साइड हरबी साइड टोलरेंट रेंट हरबी साइड टोलरेंट चावल की किस्म चावल की किस्म इनको राष्ट्र को समर्पित करेंगे पूसा उन्नीस सौ उन्यासी पूसा बासमती उन्नीस सौ पचासी अब यह नॉन जीएम क्या होता है देखो बच्चा समझिएगा मेरी बात नॉन जीएम क्या होता है एक होता है जींस को मॉडिफाई कर दो जींस को मॉडिफाई भाई जींस जो पौधे होते हैं ये भी एक जीव जंतु है हमारी तरह हमारे शरीर का रंग बालों का रंग आंखों का रंग ये जींस पर निर्भर करता है हमारी लंबाई वगैरह तो हमारे शरीर के जैसे जींस होती है ऐसे ही पौधों में भी जींस होती है तो जींस को अगर बदल देते हैं उसे जीएम क्रॉप कहते हैं भारत में अभी जो खाने पीने की चीजें हैं खाने की जो फसलें हैं उनमें जीएम अलाउ नहीं है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है एक सरसों में एक वैज्ञानिक ने किया था अभी उसे मंजूरी नहीं मिली है तो नॉन जीएम क्या है एक ऐसा पौधा एक ऐसा पौधा समझिएगा मान लेता तो एक ऐसा पौधा है जिसमें साथी, जिस पर, जिस पर, पर घास मारने वाली दवाई का असर नहीं पड़ता घास मारने वाली दवाई का असर नहीं होता घास मारने वाली दवाई हर्ब किस हर्बी साइड किसको बोलते हैं हर्बी साइड होती है घास मारने वाली दवाई एक ऐसा पौधा है जिस पर घास मारने वाली दवाई का असर नहीं होता ठीक है भाई तो उसे कहते हैं हरबी साइड टोल रेंट हरबी साइड टोल रेंट एक आपके पास बासमती की किस्म है आपने क्या किया दोनों का क्रॉस वेराइटी कराई क्या कराई साथी क्रॉस वैरायटी, जैसे पूसा ग्यारह सो इक्कीस प्लस रॉबिन पूसा ग्यारह सो इक्कीस एक, एक वैरायटी है प्लस रॉबिन रॉबिन क्या है कि ए? वो पौधा है जिस पर असर नहीं होता जैसे आपने देखा होगा एक आम के पेड़ पर कई प्रकार के आम लगाए जाते हैं उसी में डंठल दूसरे आम का जो दूसरे किस्म के आम का पेड़ होता है उसका डंठल यहां पे जोड़ देते हैं और जो नई शाखा निकलती है उस पेड़ की उस पर उसी प्रकार के आम होते हैं तो पूसा ग्यारह और रोबिन को मिलाकर यह क्या बन गया पूसा नाइनटीन इसी तरह एक और पूसा की वैरायटी थी पूसा 1509 पूसा 1509 पूरे सो नौ यह पूसा पंद्रह सौ नौ और रोबिन वैरायटी को मिलकर यह आपके पास पूसा उन्नीस सौ पचासी अब इसके अंदर हमने ये तो चावल की किस्म हो गई और यह पौधा है जिसपे घास का असर नहीं होता घास मारने वाली दवाई का तो जब इन दोनों का एक साथ हमने क्रॉस ब्रीड कराया तो इसकी खासियत इसके अंदर भी आ गई अब यह जो पूसा वाली वेरायटी है इसमें साथी आप खूब घास मारने वाली दवाई मारना इस पर कोई असर नहीं होगा लेकिन घास जल जाएगी अभी क्या करते थे किसान कि पहले चावल को एक नर्सरी में उगाते थे चावल के बीज को नर्सरी में और यहां से पौधों को मुख्य खेत में लाया जाता था इसका यह उद्देश्य होता था कि नर्सरी में घास को हटा देंगे जिससे कि मुख्य खेत में खेत में घास नहीं होगी क्योंकि अगर हम घास मारने दवाई मारते हैं तो हमारी फसल भी जल जाती थी अब किसानों को डायरेक्ट वो जो फसल के बीज है उसे खेत में डाल देंगे और डायरेक्ट घास मारने वाली जो दवाई है उसे मार देना इमा जे इमा जेथा पायर इमा जेथा पायर जेथा पायर ये हर भी साइड है ये वो दवा है जो साथी किसी भी फसल को मार देती मतलब किसी भी घास को अब बेशक आप इसे खेत में मारना जो आपके चावल के पौधा है वो बचा रह जाएगा जबकि जो घास है वो मर जाएगी जबकि जो घास है वो मर जाएगी धान केस के इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा तो इससे किसानों का बहुत ज्यादा समय और उनका धन बचेगा क्योंकि जो पहले नर्सरी में उगाते थे अब सीधे खेत में उगाएंगे, उगाएंगे? चलिए ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने मिला है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह किससे मिला है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो याद रखिएगा दिनेश सहारा दिनेश सहारा कौन व्यक्ति है एक कंपनी है रुचि सोया कौन सी कंपनी है रुचि सोया जिसको पतंजलि ने खरीद लिया था वेजिटेबल ऑयल बनाती है वेजिटेबल ऑयल बनाती है तो साथ इसको पतंजलि ने खरीद लिया था रुचि सोया इस पर कर्ज हो गया था तो रुचि सोया ने भारत में जो तेल उत्पादन है जो खाद्यान्न तेल उत्पादन है जैसे सरसों का तेल आदि इसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया था उसी कंपनी के एमडी सीईओ थे तो इसीलिए इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है येलो रिवॉल्यूशन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि इनकी कंपनी ने वेजिटेबल ऑयल के मामले में बहुत ज्यादा कार्य करके दिखाया था अब देखिए यहां पर कुछ भारत में कृषि क्रांतियां हुई है भारत में कृषि क्रांतियां दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति सैम पित्रोदा फादर है मछली के लिए नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्ण कृष्ण जी को आप तस्वीरों में देखोगे नीला रंग होता है सेम पित्रोदा पीली क्रांति दूध वर्गीज कुरियन फ्रूट्स या शहद उत्पादन गोल्डन रिवॉल्यूशन निरपख तूतेज क्या नाम इनका निरपक्ष तूतेज नाम है निरपख तूतेज इसी तरह फर्टिलाइजर का ग्रे क्रांति अंडा या पोल्ट्री सिल्वर रजत क्रांति इंदिरा गांधी के समय पर जूट गोल्डन फाइबर कॉटन ये सिल्वर फाइबर सिल्वर तो एग और सिल्वर फाइबर तो कॉटन और पटेटो राउंड रिवॉल्यूशन पटेटो क्या हो जाता है साथी राउंड रिवॉल्यूशन इसे पढ़ लेना आगे आ जाता है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के राष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट पंजाब से इस्तीफा दिया किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम वन वर्धानिक साल क्षेत्र का उद्घाटन किया है तो उत्तराखंड ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है किसने किया उत्तराखंड इससे पहले भारत का पहला लाइकन पार्क भारत का पहला लाइकन पार्क भी यहीं पर है भारत का पहला पोलिनेटर पार्क भी यहीं पर है भारत का पहला पोलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में है राज्य के वन विभाग तो उत्तराखंड के वन विभाग ने यह पामेटम इसका हल्द्वानी में उद्घाटन किया है चलिए सर आगे आ गया जाता है जीएसटी दरों को और युक्ति युक्त बनाने के लिए और रीजनेबल बनाने के लिए अभी क्या है पांच दरें जीरो परसेंट पांच परसेंट बारह परसेंट अठारह परसेंट अट्ठाईस परसेंट जबकि जीएसटी के दायरे के बाहर क्या है जीएसटी जिन पर नहीं लगता वो हो जाता है साथी एल्कोहल पीने वाली एल्कोहल और पेट्रोलियम पदार्थ जो डीजल पेट्रोल या जो एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल होता है ये सारे के सारे तो ये जीएसटी के बाहर है तो सात मेंबर की एक सदस्य का इसका गठन किया गया है कर्नाटक के सीएम बासवराज बुम्बई ये इसके हेड हैं, जबकि अजीत पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम ये साथी इसके संयोजक हैं। तो सात सदस्य एक कमेटी का गठन किया है जीएसटी दरों को और बेहतरीन बनाने के लिए जिसमें कर्नाटक के सीएम बासवराज बुम्बई ये प्रमुख है और अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है ये साथी इसके कन्वीनियर या आप ये कह सकते हैं कि संयोजक है पांच दरें होती है भी मुख्य देखोगे एक जिस पर जीरो परसेंट पांच बारह अठारह अट्ठाईस जीएसटी के बाहर एल्कोहल पेट्रोलियम जो साथी एक सौ एकवा संविधान संशोधन उसके जरिए इंडायरेक्ट टैक्स के लिए वैट को हटाकर सेल्स टैक्स वैट इन सब को हटाकर जीएसटी लाई गई थी एक जुलाई 2017 से कब से एक जुलाई 2017 असीम दास गुप्ता कमेटी और केलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक संविधान संशोधन अनुच्छेद दो ए अनुच्छेद दो ए समझे मेरी बात चलिए आगे आ जाता है विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है इस बार की थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट दिल कनेक्ट होने के लिए दिल का इस्तेमाल करो दिमाग का नहीं विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर और थीम 2021 यूज हर्ट टू कनेक्ट थीम 2021 यूज हर्ट टू कनेक्ट जबकि विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर खाद्य हानि और अपशिष्ट जो लोग खाने को बर्बाद करते हैं या जैसे खाना ज्यादा ले लिया लेकिन उसको छोड़ दिया उनके लिए फूड लॉस एंड वेस्ट तीस सितंबर इस बार की थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल फॉर द्लानिट कि भोजन की हानि और बर्बादी को रोके ग्रह के लिए लोगों के लिए उन्तीस सितंबर को हर्ट डे भी होता है यूज हर्ट टू कनेक्ट इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विजेता वर्ल्ड कप फुटबॉल खिलाड़ी रोजर हंट रोजर हंट किस खेल से थे फुटबॉल से फुटबॉल रोज खेलो रोज फुटबॉल खेलो इनका निधन हो गया के थे इंग्लैंड के थे रोजर हंट इंग्लैंड के थे और अमेरिका ने यूरोप को हराकर यह गोल्फ का राइडर कप जीत लिया है किसका साथी गोल्फ का राइडर कप गोल्फ से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया शब्द होता है बड़ी शब्द ये गोल्फ से संबंधित है और सभी जानते आदित्य अशोक ये एक भारतीय महिला गोल्फर है जिन्होंने ओलंपिक में जो भी टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए थे इसमें साथी चौथे स्थान पर रही थी फोर्थ स्थान पर याद रखिएगा आदित्य अशोक यह गोल्फ से संबंधित है गोल्फ का एक शब्द होता है बड़ी अमेरिका ने यूरोप को हराकर यह राइडर कप दो जीता है राइडर कप किससे संबंधित है गोल्फ के उससे संबंधित है अमेरिका में ही आयोजित हुआ था कहां पर आयोजित हुआ था साथी अमेरिका में ही आयोजित हुआ था अमेरिका में ही क्या हुआ है आयोजित तो यह तो हो गए आपके 30 सितंबर के प्रमुख करंट अफेयर अब आ जाते फास्ट रिवीजन भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य तुरंत बताइए भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भाई तुम लोगों की कमेंट देख के ना बच्चा लग जाता है कि कोई आदमी तुम्हें कितना ही बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करे लेकिन तुम लोग नहीं करोगे ईशारूर ब्रेकअप दिवस बेटा घर पे पूछना पड़ेगा तुम्हारे पे अंकल जी से मेरी बात कराना मैं उनसे पूछूंगा कि जी लड़की पूछ रही थी वहां ऑनलाइन क्या ब्रेकअप दिवस कब मनाते हैं बात कराना उन, मेरी वो बताएंगे बेटा सुबह का टाइम है यार पूरा दिन आदमी पढ़ने की कोशिश करता है माहौल बना के इतना कं, अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए लेकर आता है तुम तो करते नहीं हो इसके लिए मेहनत कोई व्यक्ति तुम्हें परोस रहा है तुम्हारे सामने तब तुम्हें असल में क्या है ना मेहनत करने वाले बचे ही नहीं वही गधों की तरह निन्यानवे परसेंट में रहना है सबको एक परसेंट अभिमन्यु अर्जुन बनने की कुछ शक्ति नहीं बची है इसलिए पहले मैंने एक क्लास छोड़ दी थी एक बार देखो तो सही मिला लो पूरी यूट्यूब पे जाके चैलेंज के साथ यूपीएससी तक मिला लेना जाके और आके बता देना भैया क्या कह रहे थे पर चलो कोई नहीं जिंदगी है रेबीज मुक्त गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त चलिए और ये भारत का पहला जल वाला जो जल जीवन मिशन को प्राप्त करने वाला भी पहला था जल जीवन मिशन को प्राप्त करने वाला भी पहला था क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पर्दापण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट के चाहे वो टेस्ट हो चाहे वनडे हो या टी ट्वेंटी हो किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में ये कौन बनी है तो याद रखिएगा हरियाणा की शैफाली वर्मा तुरंत उत्तर दीजिए किस भारतीय नौसैनिक जहाज को यूरोप में युद्ध अभ्यास आदि के लिए तैनात किया गया है यूरोप में नौसैनिक अभ्यास के लिए तैनात किया गया है किसे तैनात किया गया है बताइए बच्चा बिल्कुल सही याद रखिएगा आई तबर को किसे तैनात किया गया है आई एन तबर को किस राज्य में एक जैन गार्डन और काइजन अकादमी को उद्घाटन किया जैन गार्डन और काइजन अकेडमी uh, जैन गार्डन और काइजन अकेदमी इसका उद्घाटन कहां पे किया है आई तबर को किया था आई तबर विक्रमादित्य नहीं आईएनएस तबर को नियुक्त किया था फिर इसने ग्रीस इटली आदि की सेना के साथ युद्धाभ्यास भी किया है जेन गार्डन और काइजन साथी अहमदाबाद गुजरात में आयोजन हुआ है इसका। ये कहां पर उद्घाटन किया है अहमदाबाद गुजरात पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला कौन सा राज्य है पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बताइए पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ अयोध्या पांचवा नोएडा प्रयागराज कुशीनगर चलिए आगे आ जाता है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी फियर्सली फीमेल दूती चंद स्टोरी के लेखक बताइए फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक द दूती चंद स्टोरी के लेखक बिल्कुल सही कौन बने है? संदीप मिश्रा कौन है साथी संदीप मिश्रा आगे आ जाता है भारत के महान्यायवादी जिनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया ये भारत के पंद्रहें अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह सरकार का अधिकारी नहीं होता यह भारत सरकार का अधिकारी नहीं होता कानूनी सलाहकार होता आप ये कह सकते हो भारत सरकार को कानूनी मामलों में रिप्रेजेंट करता है प्रतिनिधित्व देता है अनुच्छेद क्षेत्र के जरिए पंद्रहवें है के गो वेणुगोपाल प्रथम थे एमसी सीतलवाड़ प्रथम थे अभी पंद्रहवें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 148 से कैग होता है एक से राज्यपाल चलिए साथी आगे आ जाता है ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे बड़े लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन हाई परफॉर्मिंग व्हीकल टेस्टिंग के लिए हाई परफॉर्मिंग व्हीकल टेस्टिंग के लिए यह एक टेस्टिंग सेंटर है यह क्या साथी टेस्टिंग सेंटर सेंटर इसका नाम है नेट्रैक्स 325 किलोमीटर प्रति आवर भी आप यहां पर गाड़ियां चला सकते हो इसलिए ये टेस्टिंग सेंटर है टेस्टिंग सेंटर है इंदौर मध्य प्रदेश में नेट्रैक्स करके नेट्रैक्स करके इंदौर मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे आ गया जाता है नाडा ने अंशुला राव पर चार साल का प्रतिबंध किस खेल से संबंधित है अंशुला राव ये किस खेल से संबंधित है अंशुला राव यह साथी किस खेल से संबंधित है बिल्कुल सही अंशुला राव एक बार सब लोग मिलकर शेयर कर दो बच्चा एक बार सब लोग मिलकर शेयर कर दो बहुत बढ़िया सब लोग मिलकर किस खेल से क्रिकेट से हैं अंशुला राव क्रिकेट से हैं सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर भारतीय मूल के लेकिन अमेरिकी नागरिक है भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक भारतीय मूल के लेकिन एक बार मारो शेयर और देखो कमाल भारतीय मूल के लेकिन अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु मिश्रा क्या नाम है अभिमन्यु मिश्रा हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा पहला स्वदेशी द्रोण रक्षा गुंबद स्वदेशी द्रोण रक्षा गुंबद जैसे इजराइल का है आयरन डोम इसी तरह भारत का इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम यह क्या नाम रखा इसका आसमी तो ये भारत की खुद की बनाई पिस्टल है वासु की सबसे लंबी रेल ये है इंद्रजाल ये जो कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स इसने जो बनाया साथी इसका नाम है इंद्रजाल क्या नाम है इंद्रजाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जिससे कि विदेश और देश में अगर कोई बच्चा पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहता है पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहता है तो उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यह वेस्ट बंगाल सरकार की किसकी है पश्चिम बंगाल सरकार की तीरथ सिंह रावत किस राज्य के, के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इनकी जगह पुष्कर धामी ने ली इनकी जगह किसने ली पुष्कर धामी ने ली तुरंत तुरंत बताइए बहुत शाबाश तीरथ सिंह रावत किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से वाल्मीकि में, में, वाल में रहा है वाल्मीकि में है बहुत बढ़िया बच्चा मेरे चर्चा में रहा है किस राज्य में इतना बढ़िया कंटेंट दिया है ना मैंने तुम्हें एक एक चीज पर गौर करना पेपर में आता है ऐसे ही एक चीज चाहे जीएसटी की हो चाहे आईसीएर की हो सीएसआईआर की हो याद कराने की कोशिश थी क्लास के अंदर ही कहां पर है बिहार में है कहां पर है बिहार में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी मिताली राज किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए इनसे सेकंड नंबर पे कौन रह गया है सेकंड नंबर पर तो शार्लेट एडवर्ड ये सेकंड नंबर पर है पहले नंबर पर मिताली राज इंग्लैंड की है एडवर्ड कहां की है साथी इंग्लैंड की है इंग्लैंड की है आगे आ जाते हैं कल्पना चावला के बाद में उड़ान भरने वाली अंतरिक्ष में भारतीय मूल की महिला कौन बनी है भारतीय मूल की हालांकि कल्पना चावला के बाद में आप देखोगे तो सुनीता विलियम्स अब तीसरी कह सकते हो श्रीसा बंडला 11 जुलाई 2022 को 11 जुलाई 2022 हजार बाईस वी एस एस यूनिटी वी एस एस यूनिटी नाम का यूनिटी 22 नाम की जहाज की उड़ान थी वर्जन गैलेक्टिक कंपनी है वर्जन गैलेक्टिक कंपनी वर्जन गैलेक्टिक कंपनी है रिचर्ड बेंसन जिसके सीईओ है चलिए श्रीस बांडला टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल का ध्वजवाहक दुल, टोक्यो ओलंपिक में फ्लैग बियरर टोक्यो ओलंपिक में फ्लैग बियरर कौन रहे हैं उद्घाटन में और समापन में उद्घाटन में और समापन में बिल्कुल सही तो देखिए उद्घाटन में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जबकि समापन समारोह में बजरंग पुनिया समापन समारोह में बजरंग पुनिया तो कौन रहे साथी एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह एमसी मेरी कॉम बॉक्सिंग मनप्रीत सिंह हॉकी बजरंग पुनिया कुश्ती चलिए जेफ बेजोस अमेजन के नए सीओ जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन के नए सीओ जेफ बेजोस के स्थान पर बिल्कुल सही बहुत बढ़िया साथी मेहनत में कमी नहीं आएगी मेरी तरफ से और कहीं तुम्हें यह महसूस नहीं होगा कि मेरे गुरु ने मुझे कम चीजें दी मैं कह रहा हूं चैलेंज यूट्यूब पर मिला लो ऐप पर मिला लो जिसकी चाहो और प्योर पेपर उठा लो ऐसा हो कि कुछ भी पढ़ा रहे तो कौन बने साथी एंडी जैसी एंडी जैसी खादी प्राकृतिक पेंट इसे किसने लॉन्च किया है खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड अंबेसडर खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड अंबेसिडर कौन है बिल्कुल सही साथी खादी ब्रांड खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड अंबेसिडर तो नितिन गडकरी कौन है साथी नितिन गडकरी रामप्पा मंदिर भारत का उनतालीसवां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यह किस राज्य में है रामप्पा मंदिर भारत का उनतालीसवा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये किस राज्य में है और संडे सुबह छह बजे हम पूरे दिसंबर का कम से कम दो सौ से तीन सौ क्वेश्चन तीन घंटे कुछ भी नहीं तो दो सौ ढाई सौ क्वेश्चन तो होंगे ही रामप्पा मंदिर तेलंगाना में कहां पर साथी तेलंगाना आगे आ जाते हैं भारतीय खिलाड़ी उन्मुख वेब आधारित सगाई मंच जहां पे खिलाड़ी आपस में अपने मैच ढूंढ सकते, सकते हैं पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं खिलाड़ी उन्मुख आधारित सगाई मंच जिसे हॉकी इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे हॉकी इंडिया द्वारा तो हीरोज कनेक्ट क्या नाम है इसका हीरोज कनेक्ट क्या नाम रखा गया है हीरोज कनेक्ट आगे आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो एथिक्स कमीशन है उसके दोबारा अध्यक्ष किसे चुना गया है नैतिकता आयोग या एथिक्स कमीशन के दोबारा अध्यक्ष किसे चुना गया है एथिक्स कमीशन के दोबारा अध्यक्ष किसको चुना गया है तो बान की मून को चुना गया है किसे चुना गया है बान की मून को बिल आइजन हावर इंडस्ट्री कॉमिक अवार्ड बिल आइजन बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड यह किसने जीता है साथी और इनकी कॉमिक्स पढ़ के आपको आनंद आ जाता है इनकी कॉमिक्स पढ़ के क्या जाता है आप कहोगे भैया आनंद आ जाता है आनंद राधा कृष्णन इनकी कॉमिक्स पढ़ के आनंद आ जाता है विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडरो के प्रवेश के लिए आयु सीमा को हटा दिया है अब किसी भी आयु के ट्रांसजेंडर साथी इस राज्य के विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं राज्य के विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते या पढ़ाई कर सकते हैं तो क्या नाम हो जाएगा केरल राज्य केरल जोगा जोग और अल्पन जोगा जोग और अल्पन इन दोनों की जगह कौन अपने फेसबुक और ट्विटर बना रहा है फेसबुक और व्हाट्सएप फेसबुक और व्हाट्सएप जोगा जोग और अल्पन की जगह तो बांग्लादेश ने यह तय किया है वो खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएगा आगे आ जाता है गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला अभी मैंने बोला था गोल्डन राइस इसमें विटामिन ए की मात्रा होती है विटामिन ए की मात्रा ज्यादा विटामिन ए की ज्यादा मात्रा गोल्डन राइस चावल जो है तो आप यह कह सकते हो आनुवंशिक रूप यह जीएम क्रॉप है कैसी क्रॉप है जीएम जैसे अभी हमने पूसा ग्यारह सो उन्यासी पूसा बासमती उन्नीस सौ पिचासी देखा उसमें भी तो हम लेकिन वो अनुवांशिक रूप से संशोधित नहीं है हमने जो भी बासमती की बात कही थी पूसा बासमती पूरा उसी नॉन जीएम कोई बदलाव नहीं किया गया बस दो वेराइटी की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई तो कहां कहकर साथी फिलीपींस ने मंजूरी दिया अंतरराष्ट्रीय चावल रिसर्च सेंटर यह भी फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल देखिए साथी एक बात आपको बताऊं कि यह अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है गोल्डन आर्मी आज से कोशिश करूंगा इस पर द्वारा आपको क्विज पहुंचाने की रात को दस बजे संजीव सर ये बहुत अच्छा सा आपके लिए एक सेशन लेकर आते हैं जीडी आचार्य है। अभी भी बढ़िया से चल रहा है साथी जीडी जी थर्टी थ्री कोड लगाकर आप इस पर और विजेता में छह से सात आठ घंटे क्लास अभी भी है मेरी इसमें बहुत स्पीड इस से मैं और हरिंदर सर दोनों वो क्वेश्चन की मैं थ्योरी की इसमें मेरी भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी शायद इस सोमवार से विजेता ये यूपी लेखपाल के लिए तो ये आप लोग इसको जरूर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी एग्जाम्पल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना जिसने शेयर नहीं किया साथी शेयर जरूर करके जाना और कमेंट्स ये करना बहुत जरूरी है जिससे कि पता चले आज का कंटेंट कैसा था कल को और क्या हमें सुधार करना है मैं फिर से बता रहा हूं भरोसा रखना पहले भी साथी एक एक क्वेश्चन को मैं स्क्रीन के दिखाया है पीसीएस तक मैं स्क्रीन के कि यह पेपर में आया है करंट का ऐसा कोई पेपर नहीं है चाहे हरियाणा को राजस्थान को बिहार का यूपी एमपी या कहीं का जिसमें कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर जाता हो राष्ट्रीय करंट अफेयर राज्यों की भी बहुत सारी चीज कवर होती है जैसे आज यूपी करा दिया किसी दिन हरियाणा के करंट किसी दिन राजस्थान के लेकिन एक आप लोगों से विनती रहेगी कि आप लोग अच्छी चीज का अगर आपको लगता है दिल से कि हां कुछ है कुछ पढ़ाया इन्होंने तो उसको शेयर करना कभी मत भूलना ज्ञान बांटने से चीजें फैलती हैं सेकंड चीज रिवीजन जरूर करना नोट्स बनाना अभी तुरंत सुपर थर्टी अभिनंदन सर की सुपर थर्टी शुरू हो रही है मैथ की इस क्लास में तुम सारे के सारे बच्चे मेरे ओर से सलाम ठोका गुरु जी को बहुत जबरदस्त और सातवें यूपीएसआई की रीजनिंग जो यूपीएसआई की रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो रीजनिंग जो जीडी लेखपाल का मैथ पढ़ना चाहते हैं वो अभिनंदन सर की क्लास में गुरुपड़ी रेलवे का और लेखपाल के एक आठ बजे हरिंदर सर की भी बाकी एप्लीकेशन वाले अपनी एप्लीकेशन पर तो ये आपकी क्लास थी बच्चा मेरे विचार में आज की क्लास मेरे जीवन की कुछ अच्छी क्लासों में से एक है क्यों क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर कर लिए इसमें हमने हमने जी के के बारे में पढ़ लिया। हमने के बारे में में पढ़ पढ़ लिया लिया बेल, बेल्ट एंड रोड बिल्ट बैक बेटर इसके बारे में पढ़ लिया उसके बाद में हमने अपना यह पूरा कर लिया क्या नाम है जीएसटी हो गया अंतरराज्यीय नदियां हो गई कावेरी नदी हो गई एक संविधान से अनुच्छेद दो आदि भी हो गए तो कहने का अर्थ क्या है कितने बढ़िया तरीके से अब मैं तुम्हारी कमेंट्स पढ़ के देखूंगा तुम्हें कैसा लगा आज के लिए इतना ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना सभी लोग लाइक करके जाना और जो लोग बाद में देखते हैं आप लोग लाइव आया करो उससे साथ साथ क्लास में याद कराने की कोशिश है जैसे शांति स्वरूप भटनागर की बात करो मैथ में देखो याद कैसे होता है ट्रिक के माध्यम से मैथ में सासा घोष सासा साकेत सौरभ और एक घोषणाम का व्यक्ति था इंजीनियर इंजीनियरिंग में मुख्य इंजीनियरिंग में मुख्य उपाध्याय कौन मुख्य इंजीनियर है चिकित्सा की बात करूं तो रोहित और जीवन रोहित और जीवन बायो की बात करूं अमित अरुण बायो की बात करूं अमित अरुण फिजिकल की बात करूं फिजिकल बताइए फिजिक्स में कणक कणक फिजिक्स में कणक अर्थ बिने बिने सही किया अर्थ के मामले में कौन था बिने सही किया केमिकल केमिकल लोचा एक तो गोविंद राजू राजू भाई हेरा फेरी वाले और एक और था केमिकल लोचा में एक और था केमिकल लोचा में तो जब तुम्हें यह गोविंद राजू आ जाएगा समझ में तो तुम उसका नाम भी लिख दोगे उन्नीस में पहली बार शुरुआत हुई थी इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे तो तुरंत लेखपाल जीडी रेलवे ग्रुप डी NTPC to Pal, जो गणित पढ़ना चाहते हैं सिर्फ यूपीएसआई वाले, रीजनिंग वाले दीपक चौधरी क्लास में। और के लिए हरिंदर सर की जीके जीएस की भी होती है जीके जीएस मतलब ग्रामीण विकास आदि की वो भी ठीक है भैया आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत हाँ विश्वास मुझे अपने केमिकलों पर विश्वास है जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर